हम आज वैसे देखा जाए तो नागलोक में अपना जो चलत बुद्ध की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने ये जो समारोह है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन, वो हर साल मनाते हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोविड की महामारी के कारण ये जो समारोह है, हम सभी लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन उसको सुनेंगे। जो बोलने वाले वक्ता है उनको आप देख पाएंगे। तो आप सभी के मैं स्वागत करता हूँ आज के अपने इस समारोह के। अध्यक्ष है ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, और बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ताएं हमें मिले हैं जो अपने विचार इस अवसर पर हमें बताने वाले हैं। खास करके अपने अक्टूबर प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया था, वो अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क के पूजनीय भिक्कू बोधी, वो अपना संदेश उन्होंने भेजा है, वो आपको सुनाया जाएगा। और उसके बाद जैसे है कि विमल सारा जी है, सिस्टर किम बेहान है, हमारे परम मित्र एलन सेना उकोई जी है, मंजुला प्रदीप जो हमारे साथ कई सालों से जुड़ी हुई है वो आज की वक्ता है, मैत्रीवीर नागार्जुन है, और निश्चित ही लोकमित्र जी अपनी जो अध्यक्षता है भाषण है वो करेंगे। और भिक्कू बोधी उनकी तरफ से सिस्टर किम बेहान जो उनके ग्लोबल बुद्धिस्ट रिलीफ में बहुत ही कार्यरत है, वो भी आज हमें संबोधित करने वाली है। तो इन सभी महानुभावों का मैं नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ साथ आप सभी दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पारंपरिक पद्धति से अपना ये जो कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत हम अपने पाली पठन से करने वाले हैं। तो हमारी ब्रह्मचारिणी सम्यका जी जो अभी नागलोक से मौजूद है, तो वो हमें त्रिशरण पंचशील, सकारात्मक पंचशील और जो बुद्ध पूजा है उसका पठन करेंगी। तो मैं सम्यका जी से अनुरोध करता हूँ कि वो पूजा का पठन शुरू करें। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। त्रिशरण पंचशील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपातावेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
अदिन्नदाना वेरमणि सिखापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिखापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिखापदं समादियामि सूरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिखापदं समादियामि साधु साधु साधु। सकारात्मक पंचशील मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करके दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। वणगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स सिरिपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमे येन मे तेन लभामि मोक्षम् फुफ्फं मिलायति यतायुधं मे कायो तथा याति विनाश भाव घनसार पदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगंधिकाय वदनं अनंत गुणगंधिना सुगंधिनाह गंधेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संग सुगत तनुभवा धातो धातु गब्बे लंकाय जम्बुतिब्बे तिदस पुरवरे नागलोके सथूपे सबे बुद्ध सबिंबे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु वंदे सबे पिबुद्धं दस बल तनुजं बोधि चेति अं नमामि वंदामि चेति अं सब सब ठाणे सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यका जी, थैंक यू वेरी मच सम्यका। तो भाइयों और बहनों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, ये आज का जो दिन है, हम नागलोक में पिछले 11 साल से बहुत ही जोर शोर से मनाते आ रहे हैं। और आज के दिन की जो विशेषता है उसके कई आयाम है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आज कार्तिक पूर्णिमा है जिसे हम संघ दिन करके मनाते हैं। इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने संघ का संगठन किया, निर्माण किया, और अपने जो 60 अरहंत शिष्य थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा उपदेश उनको किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसी उपदेश को लेकर पिछले 11 साल से
आज का ये जो दिन है हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन के तहत मनाते हैं, क्योंकि अपने शिष्य को लोगों के प्रति अपने हृदय में जो अनुकंपा है, जो करुणा है, उस करुणा को लेकर आप 10 दिशाओं में जाओ और लोगों का जो दुख दर्द है वो मिटाने की कोशिश करो। यही बात भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताई। और ये जो दिन है ये नागलोक के दृष्टि से, हम नागलोक में जो चलत बुद्ध की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा की ये जो 11वीं अनिवर्सरी है या 11वां वार्षिक उत्सव है, ये जो चलत बुद्ध की प्रतिमा है, मानो भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, ये बुद्ध की प्रतिमा मानो उसका प्रतीक है। वो चल रही है अभय मुद्रा में, आंखें खुली रख के और खुली आंखों से वो अपने इर्द का दुख दर्द देख रही है, और वो दुख दर्द मिटाने के लिए बड़े साहस के साथ चलने की हमें भी वो प्रेरणा दे रही है, हमें वो प्रोत्साहित कर रही है। और इसीलिए ये जो आज का जो दिन है संघ दिन के हैसियत से, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन के हैसियत से, और ये जो नागलोक स्थित चलत बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी जो 11वीं वार्षिक उत्सव है, इन सभी को लेकर आज हम इसको एक उत्सव की तरह मनाने जा रहे हैं। और हमारे साथ शरीक होने के लिए हमारे जो अन्य भाई है वो भाई भी यहाँ पर मौजूद है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ टुडे। टुडे इज अ वेरी फेमस एज अ कार्तिक फुल मून डे ऑन अ डे Lord Buddha formed his Sangha, and while formation of the Sangha, he gave a very profound teaching, or we can say the slogan, to all his disciple, like a Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, welfare of many. Go to the 10 direction. Don't go together in a one direction. And he just explained them that whatever the compassion, anukampa, you are having in your heart, so with the power of that compassion, you make the world happy. You eradicate the suffering. And on this very special occasion, we celebrate in Nagaloka this day as a Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai Day, welfare of many day. And this day is the 11th anniversary of the walking Buddha image in the Nagaloka, which image is in the walking figure with the Abhay Mudra, with open eyes, that Buddha give us the confidence to walk through and walking towards the suffering of the world and try to eradicate that suffering. He is a figure of inspiration, and this inspiration come from this Buddha's slogan or teaching of Bahujan Hitai, Bahujan Sikhai. And that's why we are just having very distinguished guests from America and other places in India, and we will be just listening them in short while. तो आज का ये जो समारोह है उसकी शुरुआत हम ब्रह्मचारी डॉक्टर मैत्रीवीर नागार्जुन इनसे करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं मैत्रीवीर नागार्जुन जी ये नागलोक के
ट्रस्टी यानी विश्वस्त है, वो नागलोक के निदेशक भी है, ऑनररी डायरेक्टर है, और नागलोक का जो शिक्षा विभाग है उस शिक्षा विभाग के वो प्रमुख है, युवा है, उन्होंने बुद्धिस्ट एस्थेटिक में पीएचडी की है और हैदराबाद स्थित जो इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसमें वो प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाने के काम में जुड़े हुए हैं। बहुत ही होनहार युवा व्यक्ति है, बाबा साहब के शिक्षा के बारे में, उनके कार्य के बारे में और उनके जो बुद्धिस्ट दृष्टिकोण के बारे में मैत्रीवीर बहुत ही जज्बे के साथ युवाओं को, लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वो बहुत अच्छे वक्ता है, वो बहुत अच्छे मित्र है, और लोगों को प्रेरणा देने में, प्रेरित करने में वो बहुत ही माहिर ऐसे व्यक्ति है। वो जो लिखान करते हैं वो बहुत अच्छे लिखते हैं। अभी अभी लगभग उनके दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेख है वो विदेशों से अखबारों में या उनकी जो मासिक पत्रिकाएं हैं ना उसमें प्रकाशित हुए हैं। वैसे तो आज इस प्रोग्राम में उनको रहना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन वो जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और उनके यूनिवर्सिटी के कुछ महत्वपूर्ण कामों के कारण आज वो हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है, इसलिए उनका जो रिकॉर्डेड जो टॉक है जो उन्होंने आज के दिन के लिए तैयार किया है वो जो टॉक है वो थोड़ी ही देर में, कुछ पलों में हम सुनने वाले हैं। तो मैं उत्तम जी से अनुरोध करता हूं कि हमें वो मैत्रीवीर जी का जो रिकॉर्डेड टॉक है वो सुनाएंगे, और उसी टॉक से आज के हमारे ये दिन की जो समारोह है उसकी हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, पावन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी धम्म भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आज के पवित्र दिवस पर। और बहुत महत्वपूर्ण दिवस बौद्ध इतिहास में आज के दिन का यह महत्व माना जाता है। समय के अभाव में मैं कुछ ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा आज के दिन, और मैं बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भिक्खु बोधि जी को, सिस्टर किम बहन को, एलन जी को, और सभी जो उपस्थित है, लोकमित्र जी है, विमल सारा है, आज के दिन में मौजूद हमारे बीच, उन सबको मैं बेहद धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि उन लोगों ने अपने व्यस्त समय से समय निकाला, वो पार्टिसिपेट होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए वे हमारे साथ आए। भारत के भाई बहनों को शुभेच्छाएं देने के लिए उन्होंने समय निकाला। भाई बहनों, बौद्ध इतिहास में तीन महत्वपूर्ण पूर्णिमाएं या फुल मून डे जिसे हम कहते हैं मानी जाती है, और ये यूनिवर्सली वैश्विक रूप से बौद्ध जगत इन तीनों दिनों को महत्वपूर्ण मानता है। पहली जो है वह वैशाख पूर्णिमा है जो अप्रैल या मई के दिन में महीनों में आती है, मॉडर्न अप्रैल मई के वक्त जो आती है वैशाख पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा को तथागत बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की थी। दूसरी पूर्णिमा है वह आषाढ़ पूर्णिमा है जो जून जुलाई के महीने में आती है, एक ऐसी पूर्णिमा जिसे हम एंशियंट धम्म रिवोल्यूशनरी डे कहते हैं या प्राचीन धम्म चक्र प्रवर्तन
जब बुद्ध ने किया था, उस पूर्णिमा को हम मनाते हैं जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं, और आज के दिन की है जो पूर्णिमा है जिसे हम मना रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा, अक्सर अक्टूबर नवंबर महीने में यह आती है, और यह महत्वपूर्ण दिन है। निश्चित रूप से मैं यह भी बात बताना चाहूंगा कि पहले जो दो पूर्णिमाएं थी, वह दो पूर्णिमाएं बुद्ध के वैयक्तिक जीवन से संबंधित थी, उनकी अपनी संबुद्धि की प्राप्ति थी। स्वयं उन्होंने एक दुख मुक्ति का मार्ग निकाला, दुख मुक्ति से वे स्वयं मुक्त हुए, तृष्णा से वह स्वयं मुक्त हुए, तन्नानं खाया मज्जगा स्वयं, बुद्ध ने अपने आप से बोला कि मैं सभी तृष्णाओं से मुक्त हुआ हूँ, गृहकार की शहतिरों को मैंने तोड़ दिया है, एक नया प्रकाश उन्होंने इस संसार में दुख मुक्ति का लाया। उसके पश्चात जब उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, पांच परिव्राजकों को उन्होंने जब शिक्षा दी, वह आषाढ़ पूर्णिमा कहलाई। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब बुद्ध ने 60 से भी अधिक अरहत भिक्षुओं को यह संदेश दिया, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि सभी दिशाओं में भिक्षु आप जाओ और बहुजनों के सुख के लिए और उनके हित के लिए आप काम कीजिए। अक्सर बहुजन शब्द आज हम विशिष्ट परिस्थिति में भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बहुजन का मतलब कि कुछ जातियों को छोड़ो या कुछ वर्णों को छोड़ो और ज्यादातर वर्णों के लोगों को आप बताओ, यह उसका अर्थ नहीं था। बहुजन का यह अर्थ यही मैं समझता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि बुद्ध क्रांति के बारे में या धम्म क्रांति के बारे में रिवोल्यूशन के बारे में रोमांटिक नहीं थे, आदर्शवादी नहीं थे, वह प्रैक्टिकल थे, प्रैग्मेटिक थे। उन्होंने यह सोचा कि जितना ज्यादा एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने लोगों का कल्याण कर सकता है, हित कर सकता है, वह कार्य उस भिक्षु ने या उस अरहत ने करना चाहिए। यह बुद्ध का शायद आशय होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह कहते वक्त हमें त्रिपिटकों में महत्वपूर्ण सूत्र के संदर्भ मिलते हैं, जहां बुद्ध ने एक ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक विशेष स्थान संघ को दिया है, संघ को अपने जीवन में भी दिया है। दक्षिण विभंग सूत्र जो मध्यम निकाय का एक सूत्र है, वहां पे कुछ दानी लोग बुद्ध के पास आए और बहुत ही मूल्यवान गिफ्ट्स या भेंट वस्तुएं वो बुद्ध के पास ले आए और वो भेंट वस्तुएं उन्होंने बुद्ध को प्रदान की। तो बुद्ध ने उनको गाइड किया, उनको मार्गदर्शन किया कि यह जो मूल्यवान वस्तुएं आप संघ को दान दीजिए और उससे आप अधिक पुण्य या मेरिट हासिल करोगे, आपको अधिक पुण्य मिलेगा। इस घटना से भी बुद्ध संघ की कितनी इज्जत करते थे, कितने उच्च स्थान पर बुद्ध ने संघ को रखा है, यह प्रतीत होता है। निश्चित रूप से जब हम वंदन करते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, तब हम संघं शरणं गच्छामि भी बोलते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो निरंतर चिरकाल तक अपने लोभ मोह द्वेष को नष्ट करने के लिए कार्यरत है, लगे हुए है, अज्ञान को मुक्त करने के लिए लगे हुए है, संबोधि प्राप्त करने के प्रयासों में लगे हुए है, उसके साथ साथ वो बहुजनों का हिताय और बहुजनों का कल्याण करने के लिए, यानी ज्यादातर लोगों का जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई वुड से, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना लोगों का वो कल्याण करे, यह भी प्रेरणा बुद्ध ने संघ को दी। तो उस संघ को भी हम शरण जाते हैं। यहाँ शरण होने का मतलब सरेंडर करना नहीं है, ब्लाइंडली सरेंडर करना नहीं है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका बहुत ही सुंदर भाषांतरण बौद्ध पूजा पाठ में किया है, बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि का जो वह भाषांतरण करते मराठी में, वो कहते कि मी बुद्धाला अनुसरतो, मैं बुद्ध का अनुकरण करता हूँ, मैं धम्म का अनुकरण करता हूँ,
मैं संघ का अनुकरण करता हूं, इसका मतलब फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, जैसा बुद्ध ने किया वैसा ही मैं करूंगा, जो धम्म में मार्गदर्शित है उसका मैं अनुसरण करूंगा, उसका मैं आचरण करूंगा, जैसा संघ आचरण करता है, यानी जो अर्हत लोगों का बोधिसत्व जो संघ है उनके आचरण जैसा मैं अपना आचरण ऊंचा उठाऊंगा। तो जब हम संघम शरणम गच्छामि कहते हैं तो इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं ये जो संबोधि प्राप्त या उसमें वरिष्ठ गंभीरता से जो लोग कार्यरत है उनके जैसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यह कहता हूं तब मैं अपने आप ही जो दुराचारी जो है, जो गैर व्यवहारी जो लोग है, या जो लोग उच्च निष्ठा को मानते हैं, या जो लोग मिथ्या दृष्टि को मानते हैं, उन लोगों का सहवास मैं त्यागता। तो इस नॉट ओनली द फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द संघ, ये केवल संघ का आचरण करने की बात नहीं है, तो यह ऐसे समूह से भी अलग होने की प्रक्रिया है जहां जो समूह लोभ मोह द्वेष से भरा हुआ है या भारतीय विशिष्ट परिस्थिति में जाति मूलक समाज से भरा हुआ है, उन धारणाओं को मैं नहीं मानता हूं। बुद्ध ने स्वयं जब संघ की परिभाषा की या बताते वक्त उन्होंने धम्म को जैसे सागर की उपमा दी, वैसे ही उन्होंने संघ को भी सागर की उपमा दी है। जिस प्रकार अलग अलग नदियों का पानी संघ में आता है और कौन से नदी का पानी कौन सा यह हम फर्क नहीं कर पाते, वैसे ही जब संघ में कोई सम्मिलित होता है तो वह अपनी जातियों से अपनी पहचान नहीं कर सकता है। ये बुद्ध के वक्त की बातें थी। जिस प्रकार संघ किनारे से गहरा नहीं होता, धीरे धीरे वह गहरा होता है, वैसे ही हम धम्म या संघ का अनुभव चिरंतर लेते तो वो भी गहरा होते जाता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है बुद्ध ने संघ के बारे में बताई। इससे आज के दृष्टिकोण में अगर मैं समझू तो अभी आपको बताई होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली थी, भारत में जाति व्यवस्था फिर से एक उच्च नीचता का और हिंसक रूप ले रही है। इस वक्त हमें यह जाति मूलक जो समाज है या जाति मूलक जो आइडेंटिटी है उसे त्यागना बेहद जरूरी है। तो संघम शरणम गच्छामि कहने का अर्थ जाति विहीन समाज को शरण जाना भी है। एक जाति विहीन समाज जो किसी प्रकार के ऊंच नीचता को नहीं मानता, किसी प्रकार के जाति व्यवस्था को या वर्ण व्यवस्था को या रंग व्यवस्था को या लिंग व्यवस्था को ऊंच नीचता के आधार पर नहीं मानता, और जो संघ जो धम्म के आचरण में रत है उसे ऐसी अभिलाषा रखता है कि जिसमें ऐसे सहचारी है, जिसमें ऐसे व्यक्ति है जो बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं या उन अर्हतों को शरण जाते हैं, वैसे वो बनने के लिए प्रयास करते हैं। संरक्षित जी ने अपने त्रिरत्न वंदना में यह काफी स्पष्ट रूप से कहा है, इनफैक्ट मैं उसे पढ़ना चाहूंगा जो मैंने भाषांतर किया था। नमन करते हैं हम संघ को और अभिलाषा रखते हैं इसे अनुसरण करने की, जिसमें सहचार्य है मार्गस्थ लोगों का, जो लोग उस संघ के या धर्म के मार्ग पर मार्गस्थ है, आरूढ़ है, और एक की कटिबद्धता से संघ वलय को विशाल करने के। हम संघ बोलते ही एक ग्रुप ऑफ पीपल या समूह होते ही वो जैसे भेड़ बकरियों का समूह होता है वैसा वह नहीं होता है, जिसमें हर एक की कटिबद्धता मायने रखती है, हर एक की इंडिविजुअलिटी मायने रखती है, उसकी अपनी सोच, उसका अपना कॉन्टेम्पलेशन, उसका अपना चिंतन, उसका अपना बुद्धि की जो वृद्धि है यह उसमें मायने रखता है, उसका अपना ध्यान, उसमें अपना उसका आचरण मायने रखता है। इसीलिए मैं दूसरा दाखिला देते हुए यह बताना चाहता हूं कि जब बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी तो बुद्ध के सामने सवाल पैदा हुआ था कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूं जिसने सभी पारमिताओं में प्रावीण्य उपलब्ध किया है, हासिल किया है, तो अब मैं किसके तरफ देखूं, मेरा आदर्श कौन है, हु माई शुड लुक अपॉन। यह बुद्ध के मन में जब प्रश्न आया तो
संयुक्त निकाय के गर्भ सूत्र में बुद्ध ने बोला है कि धम्मा मेरा शरण स्थान, जो सत्य है वह मेरा शरण स्थान है, जो चीजों का वास्तविक जो स्वभाव है, जो सत्य रूप है या जो निबान है वह मेरा स्थान है। लेकिन कालांतर में इसे यह गर्व सूक्त में बोला गया है, लेकिन कालांतरण लगभग जब त्रिपिटक इवॉल्व हुआ, जब त्रिपिटक की रचना होते रही, एक से एक विनय उसमें जुड़ते गए, सूक्त जुड़ते गए, तब अंगुत्तर निकाय में भी हमें गर्व सूक्त का एक संदर्भ मिलता है, जहां बुद्ध बोलते हैं कि जब संघ एक परिपूर्णता तक पहुंच जाता है, एक अर्हत के स्तर तक पहुंच जाता है, उन समूहों को भी मैं शरण जा सकता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे समूह, ऐसा एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संस्था नहीं, ऐसे लोगों का समूह जो चिरंतर तृष्णा के क्षय के लिए, लोभ मोह द्वेष के क्षय के लिए लगा हुआ है, अपने शिला चरण में रथ है, उन लोगों के समूह को भी मैं यानी एक आदर स्थान पर देखता हूं। इतनी बड़ी भूमिका बुद्ध ने संघ के बारे में ली, यह समझना हमें जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं दूसरे पड़ाव में यह कहना चाहता हूं कि यह कार्तिक पूर्णिमा हम 21वीं शताब्दी में मना रहे हैं, जहां दुनिया भर में महामारी फैली है, अलग अलग किस्म के अन्याय अत्याचारों का सामना या उसके समाचार, उसकी न्यूज हम चैनल में या सोशल मीडिया में सुनते रहते, पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी, इन दोनों का सामना हम कर रहे हैं, ऐसे माहौल में भी हम यह कार्तिक पूर्णिमा हम मना रहे हैं। तब मेरे मन में प्रश्न आता है कि तब मैं बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, चरत भिक्खवे चारितम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसको मैं कैसे समझूं, यह मेरे मन में प्रश्न निर्माण होता है। तो आज अगर हम दुनिया को देखते हैं तो एक ट्राइपार्टाइट प्रॉब्लम, एक तीन तीन अंगी प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं। एक जहां सीमाओं में तनाव है, अलग अलग देशों की सीमाओं में तनाव है, आर्थिकता में तनाव है, निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अमेरिका एक आर्थिक सत्ता बनना चाहता है, चाइना एक आर्थिक सत्ता बनना चाहता है, और सभी लोग भारत के मार्केट के ऊपर अपनी निगाह रखते हैं, तो वो आर्थिक जो कंपटीशन है, जो तनाव है वह भी है, उसमें भी भारत की जो जाति व्यवस्था है, वह जाति व्यवस्था उस आर्थिक तनाव में जब सम्मिलित होती है तो कुछ ही लोगों का उसमें कल्याण होता है, हित होता है, यह बात भी हमें समझना बेहद जरूरी है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो दूसरे प्रॉब्लम में हम समझते हैं कि जहाँ क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे ये वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि जहाँ पे लोकतंत्र का ह्रास होते हुए नजर आता है, डिटरियरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वह भी एक बड़ी समस्या से हम गुजर रहे हैं, और इस समस्या में अगर ज्यादातर लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो फिर किस प्रकार का लोकतंत्र हमारे सामने आगे आएगा, किस प्रकार का हित और किस प्रकार के जनों का वह कल्याण होगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता है। ऐसे माहौल में मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि तब जिस प्रकार बुद्ध ने कहा था कि हमारी जाति की आइडेंटिटी को हम छोड़ते हैं, हमारे अहंकार के क्लचेस को, अहंकार के रस्सियों को हम तोड़ते, उन बंधनों को हम तोड़ते, उस बंधनों को तोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सद्धम इस सेक्शन में, बुद्ध एंड धम्म में बताया है, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स इज द सद्धम, आपस में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को तोड़ना सद्धम है। तो जब हम बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय की बात करते हैं, वो उस धम्म से आएगा, लेकिन उस धम्म को भी हमें समझना होगा
कि ऐसा धम्म जो समूह समूह के बीच के तनाव को तोड़े, समूह व्यक्ति व्यक्ति के तनाव को तोड़े, देश और देश के बीच जो तनाव है उनको वो तोड़े, और जिस प्रकार संविधान समता स्वतंत्रता और बंधुता को हाईलाइट करता है, इंश्राइन करता है, डिग्निटी को इंश्राइन करता है, जस्टिस को इंश्राइन करता है, उन मूल्यों को अगर हम उसका चरित भिक्कवे चारिकम अगर करते हैं, उसका प्रचार प्रचार अगर हम करते हैं, तो मुझे लगता है यह सच्ची कार्तिक पूर्णिमा हम मनाएंगे और वह उसका सच्चा मीनिंग होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो आज बुद्ध का जो ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स का जो मैसेज था, जो तनावों को तोड़ने का जो मैसेज था, जो जाति तोड़ने का, जो वर्ण तोड़ने का जो उनका मैसेज था, और वह सुनीत हो, उपाली हो, या कश्यप हो, या फिर महानाम हो, या अश्वजीत हो, या प्रजा पिता गौतमी हो, या फिर पटाचारा हो, या आम्रपाली हो, ना वर्ण भेद से, ना लिंग भेद से, ना रंग भेद से, ना जाति भेद से, बुद्ध ने अपने संघ में सभी को एक समान स्थान दी। यही बात बाबा साहब ने एक नए अंदाज से हमें समझाने की कोशिश की है कि ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स इज द सत्यम, उन रुकावटों को हमें तोड़कर एक ऐसे संघ को हमें निर्माण करना है, ऐसे साहस को हमें निर्माण करना है जो एक जाति विहीन, वर्ण विहीन, रंग विहीन समाज बनाए। बुद्ध के कई स्वप्नों में एक सुंदर स्वप्न बुद्ध का हमें त्रिपिटकों के संदर्भ में मिलता है, जहां चार प्रकार के चार पंछी चार दिशाओं से उड़ते हैं, और चार रंगों के वो पंछी जब बुद्ध के चरणों में आते हैं तो उनका सब रंग परिवर्तित होकर वो शुभ्र होके बन जाते हैं, सफेद होके रह जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ल्यूमिनोसिटी, प्रज्वलित होके वो रह जाते हैं, तेज बन के वो रह जाते हैं। यहाँ व्हाइट का अर्थ अगेंस्ट ब्लैक नहीं है, ऐसा रंग जो तेजस्वी है, ऐसा रंग जो दीप है, अक्तदीप भव का वह तेज है, उस तेज के वो पंछी बन जाते हैं। इस प्रकार से सभी बंधनों को तोड़कर हम ऐसे स्वप्नों को साकार करने की कोशिश करें। मुझे लगता है वही सपना बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ पास्ट हो, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स हो, या बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन हो, या बुद्ध एंड हिज धर्म हो, उनके समूचे जीवन में उन्होंने यह संदेश आज के दुनिया को देने की कोशिश की। अगर दुनिया नहीं तो कम से कम प्रबुद्ध भारत का वह सपना, प्रबुद्ध विश्व का वह सपना बाबा साहब ने हमारे सामने रखा। मुझे लगता है यह संदेश आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें अपने दिल में संजोना बेहद जरूरी है, और यह इस प्रकार के संघ को चिरंतर चिरायु रखना बेहद जरूरी है। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अम्बेडकरोत्तर बाबा साहब के पश्चात जो आंदोलन उभरे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या अगर जो रही है, मैं किसी आंदोलन के प्रति आलोचक नहीं हूं, हर संस्था हर समूह अपने पद्धति से एक बड़े प्रयास इस देश में या दुनिया में कर रहा है, बहुत सारे बौद्ध संघ भी इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, किरत्न बौद्ध संघ भी अपने प्रयास इस दुनिया में जारी रख रहा है इस प्रकार का सपना साकार करने के लिए, लेकिन जो बाबा साहब के पश्चात उनके आंदोलनों की जो एक त्रासदी रही है, आंदोलन की जो त्रासदी रही है वो रही है डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी। सुसंवाद स्थापित करना या उसमें विभाजन होना, भेद होना, ये एक बहुत बड़ा शाप या तकलीफ बाबा साहब के सपने को पहुंचती है इस भेद के कारण या डिवाइड्स के कारण, और एक व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों सालों में बुद्ध या बाबा साहब जैसा व्यक्ति पैदा होता है
और वो हजारों सालों का काम कर गुजरता है। ऐसे बोधिसत्व या बुद्ध बार बार पैदा नहीं होते। इसीलिए भी भाई और बहनों, हमें संघ को प्रोटेक्ट करना, उसको सेफगार्ड करना, उस संघ में संघ के द्वारा उस दृष्टि को, बाबा साहब के धम्म दृष्टि को सेफगार्ड करना, इनफैक्ट धम्म को सेफगार्ड करना, उस धम्म दृष्टि को उसकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। और यह एक व्यक्ति नहीं करता है, इसलिए संघ एक सीमेंट का काम करना चाहिए, उसमें एक जोड़ने का काम करना चाहिए, जातियों को तोड़ने का काम करना चाहिए, वर्णों को तोड़ने का काम करना चाहिए, भेद को तोड़ने का काम करना चाहिए, तभी एक संघ एक शक्ति बनकर उभर कर आएगी। और जिस प्रकार की दुनिया जो बाबा साहब चाहते थे, बुद्ध चाहते थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और आत्मसम्मान के मूलक आधारित दुनिया, समाज और व्यक्ति हम बना पाएंगे, तो यह बेहद जरूरी है कि जिस प्रकार बुद्ध मौजूद थे तो उन्होंने बुद्ध काया से, अपने शरीर से धम्म को बताया। जब बुद्ध चले गए तो धम्म काया धम्म के माध्यम से जीवित रही। आज भी वह धम्म हमारे तक मौजूद है, बाबा साहब के माध्यम से, संघ के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। इसलिए इस संघ काया को भी जीवित रखना बेहद जरूरी है। एक ऐसा अनुभव जो सक्रिय है, डायनेमिक है, इस एक्सपीरियंस को हमारे दिल में हमें जीवित रखना बेहद जरूरी है। हम लोगों को सहानुभूति से, सुसंवाद से और मैत्री से इकट्ठा आना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं संघ दिवस को डे ऑफ फ्रैटर्निटी भी कहता हूँ। बाबा साहब ने जिसे लोकतंत्र की नींव मानी है, उन्होंने कहा कि फ्रैटर्निटी इज नॉट इनफ या इक्विप वर्ड टू डिफाइन द डेमोक्रेसी इन माय विजन। मेरे दृष्टि से लोकतंत्र को साबित करने के लिए या परिभाषित करने के लिए फ्रैटर्निटी या बंधुता पर्याप्त शब्द नहीं है। मुझे बुद्ध के शब्दकोश से यह शब्द उठाना पड़ रहा है जिसे मैं मैत्री कहता हूँ, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए आज का यह मैत्री दिवस भी है, द डे ऑफ फ्रैटर्निटी भी है, द डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है, द डे ऑफ कास्टलेसनेस भी, द डे ऑफ इगोलेसनेस भी है। तो यह स्पिरिट, यह चेतना हमने हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जितनी गहरी हम ले जाएंगे, उतना ही गहरा हम संघ दिवस यशस्वी कर पाएंगे, उस संघ को यशस्वी कर पाएंगे, बुद्ध और बाबा साहब के सपनों को हम यशस्वी कर पाएंगे। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको पुनश्च संघ दिन की, ऐतिहासिक संघ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग सुरक्षित रहे, आप सभी लोग मतांतरों से मुक्त रहे, भेद से मुक्त रहे, ऊंच नीचता से मुक्त रहे, और एक जाति विहीन बंधुता मूलक, मैत्री मूलक समाज हम निर्माण कर पाए, संघ के द्वारा एक नई समाज की हम नींव रख पाए, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। और आप सभी को पुनश्च संघ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैत्रीवीर की, ये जो शुरुआत है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संघ का जो आज के समय महत्व है हमारे सामने रखा है। हमारे जो विदेशी जो श्रोतागण है उनके लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में मैत्रीवीर के शब्दों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैत्रीवीर एक्सप्लेन इन हिज टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज ग्रैटिट्यूड फॉर वेनरेबल मास्टर भिक्कु बोधि ही एंड एलन एज वेल एज सिस्टर किम बेहान विमल सारा हु एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी, एंड ही एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द संघ डे लाइक थ्री ज्वेल्स आउट ऑफ दैट दिस इज द थर्ड पूर्णिमा फर्स्ट वैशाख वेर सिद्धार्थ गॉट द एनलाइटनमेंट विच वॉज रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ एंड दिस कार्तिक पूर्णिमा विच ही अनाउंस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विथ हिज 60 अरहंत डिसाइपल
एंड दैट वॉज द इंस्पिरेशन फॉर देम टू इरेडिकेट द सफरिंग अराउंड द वर्ल्ड. ही एक्सप्लेन दैट डॉक्टर आंबेडकर इन हिज पूजा बुक एक्सप्लेन दिस गोइंग फॉर रेफ्यूज और शरण शरण इज अ नॉट अ सरेंडर बट शरण मीन्स टू फॉलो द फूट स्टेप ऑफ. सो वेन वी से संघं शरणं गच्छामि means that is the way that those the member of the sangha who reach to the state of arahant, so we have to follow their footstep. He just explained very nicely that there is a no difference in the sangha, because as the Buddha explained by using the simile of sea and river, when the different river actually go and meet with the sea, so all water came together and we cannot show that difference in the water there. After his enlightenment, he mentioned who will be his ideal. So at the beginning, he said the Dhamma will be ideal. But eventually in the Anguttara Nikaya, he mentioned that those who highly practice the Dhamma in their life, so he will actually treat them also as his ideal. So it is the matter that those people vigorously try and practice to eradicate the three poisons in their life and try to work hard and work together with unitedly and harmoniously. So we have to follow them. He created a question that when in this time of pandemic, we celebrating this, but the difference between the poor and this reach will be the going high. So how can we say this is the time where there will be welfare of all, Bahujan Hitai, Bahujan Sikhai? And he gives the very classic example of Dr. Ambedkar's Buddha and his Dhamma, creating a Sadhamma, means breaking barriers, all type of barriers. And he quote the last example of the Buddha's dream, that four different color birds, when they drop down in the lap of Buddha, all color vanish and all become only white, clear white. That is the color of purity, this color of Atyadipa Bhava. And he just say, after Dr. Ambedkar's this revolution, there is a one lacuna, and that is a disunity and disharmony. So we have to work towards harmony, work together and create really the Sangha, which will help to bring about the Dr. Ambedkar's Dhamma revelation in practice. So once again, thank you. And then after this, we are going to listen a message from Venerable Bhikkhu Bodhi, who is a very actually excellent high authority in the Pali canon. He works in the New York. He is actually very famous. He written so many books, so many articles. So whoever right now actually do the research on Buddhism, every research fellow has to refer the Bhikkhu Bodhi's references. He is an instrumental person to form this Buddhist global relief, and through that Buddhist global relief, with his under his guidance, Sister Kim Behan working in India for the poor people in Arunachal, in Uttar Pradesh, in Tamil Nadu, and some other part of South India. So we heard full talk of Venerable Bhikkhu Bodhi last time. Today we will going to listen his message on this occasion. So again, I will ask Uttam to actually play or show us the message of Venerable Bhikkhu Bodhi. So I send my greetings, my Dhamma greetings to all of my friends in India and beyond, all of us who are united by a shared
devotion to the Buddha Dharma. तो मैं आप सब लोगों को आज के पावन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो लोग बुद्ध धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, और आज के शुभ दिवस पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। And I'm grateful for the opportunity to share with you a short message on this occasion of the Kartika Purnima. और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज के ये जो महान जो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर आप लोगों ने मुझे एक छोटा संदेश देने के लिए बुलाया। The Kartika Purnima commemorates the day when the Buddha first instructed his initial group of 60 Arahat disciples to go out in the world and to begin teaching the Dharma. यह एक ऐसा पावन दिवस था जब बुद्ध ने पहली बार अपने 60 जो अरहत शिष्य थे उन 60 अरहत शिष्य को अपनी शिक्षा का प्रसार प्रचार करने के लिए प्रेरणा दी। He instructed them to walk for the welfare of many people, for the happiness of many people, for the out of compassion for the world, for the good welfare and happiness of all human beings. बुद्ध ने उनको प्रेरित किया कि दुनिया में सभी जो जन है बहुजन है उन सब बहुजनों के हित के लिए उनके सुख के लिए उन्हें प्रेरित किया उनके कल्याण के लिए उन्हें प्रेरित किया उनके करुणा के आधार पर बहुजनों का हिताय और बहुजनों का सुखाय हो यह बुद्ध ने शिष्यों को बताया Yeah, so from this instruction of the Buddha, we could see certain important implications for the way the Buddha Dhamma should be practiced. तो इस संदेश से हमें यह भी पता चलता है कि बुद्ध ने किस प्रकार का आचरण धम्म का होना चाहिए यह भी बताने की कोशिश की. From this, we could see that the aim of the Buddha Dhamma is to promote the well-being and happiness of people, of human beings. तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म आचरण करने का उद्देश्य यह है कि मानव कल्याण और सभी सजीवों को सुख मिले यह इसकी प्राधान्यता यह इसका उद्देश्य And the Buddha gave the instruction to teach for the welfare and happiness of many people, ideally for all human beings. He didn't restrict his teaching to any particular privileged group, class, or caste. इसका अर्थ यह भी है कि बुद्ध ने जब बहुजनों के हिताय की और सुख की बात की तब इसका प्रयोजन स्पष्ट था कि उन्होंने किसी विशिष्ट वर्ग विशिष्ट जाति या विशिष्ट समुदाय की ही सुख की बात नहीं की And the motive for teaching the Dhamma is expressed in the phrase lokanu kampaya. Which means out of compassion for the world. So it is compassion that motivates us to spread the Dharma. और यह शिक्षा का मुख्य सार रूप से अगर हम कहते हैं तो लोकानुकंपाय का अर्थ यह था कि दुनिया में सभी लोग सुसंवादित रहे और वे करुणा से प्रेरित रहे. And the Dharma is to be spread actively. And in the Buddha's time, that meant that the monks who were trained and guided by the Buddha were to walk on tour. They were to go out and walk over the countryside, visiting the different villages, towns, teaching the Dhamma to everyone who was willing to listen. So, iska artha yeh bhi tha ke dhamma ko sakriya roop se उसका प्रसार प्रचार करना था और उस वक्त जो लोग थे या जो शिष्य थे उनके वो भिक्षु थे और वे प्रशिक्षण हासिल किए हुए लोग थे वो प्रावीण्य जिनका धम्म में है ऐसे वो लोग थे और वे लोग गांव में नगरों में और शहरों में जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को बताने की कोशिश करते थे Yeah, in Pali, the Buddha used the expression charikam charita, which
which means walk on tour. And the Buddha himself adopted this practice of walking on tour to propagate, to spread the Dharma. So, यहाँ पाली में शब्द आता है चारिकं चरिता. चारिकं चरिता, इसका अर्थ, इसका अर्थ यह होता है कि वॉकिंग ऑन टूर्स, मतलब आप अपने टूर पर जाइए या ऐसे यात्रा पर जाइए जहां पे आप लोगों को उस यात्रा में धम्म लेकर आप उन तक पहुंचे. स्वयं बुद्ध ने भी यह आचरण किया. स्वयं बुद्ध ने धम्म की यात्रा की, धम्म सिखाने के लिए यात्रा की. Yeah, so every year for 8 or 9 months, except for the 3 months of the rainy season, the Buddha would walk over all of northern India, covering an area extending roughly from almost where Calcutta is today, all the way almost to the region of Delhi, traveling from town to town, from village to village, preaching the Dharma. Buddha ne swayam, अगर 3 महीने के जो वर्षावास होता है या 4 महीने का जो वर्षावास होता है, जो वर्षा का ऋतु होता है, उसको अगर छोड़ा जाए तो 8 से 9 महीने स्वयं बुद्ध ने अपने पैरों से यह यात्रा की है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, जहाँ कलकत्ता से दिल्ली तक का जो पूर्ण जो प्रदेश है, उस प्रदेश में वो गाँव से गाँव, कस्बे से कस्बे, शहरों से शहर वो जाते थे और लोगों को धम्म पढ़ाते थे. And we see this image of the Buddha walking on tour manifest in the large statue of the walking Buddha at the center of Nagaloka. And this was an image that I'm told was very much appreciated by Dr. Ambedkar. Like, that was his idea, was to have an image of the Buddha in the act of walking. Cool. यह एक इसका प्रतिरूप या इसका एक अभिव्यक्ति हमें बुद्ध की एक प्रतिमा में दिखती है जो नागलोक परिसर के मध्य भाग में स्थित है. चलित बुद्ध, वॉकिंग बुद्धा. अब यह एक ऐसी प्रतिमा है जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जी को काफी करीब थी, उनको पसंद थी, और यही एक चेतना एक सक्रिय रूप से धर्म प्रसार प्रचार के लिए हो, ऐसा बाबा साहब चाहते. Yeah, usually the typical Buddha image that we see today has the Buddha sitting in meditation with his eyes closed, or else we see the Buddha in the Dhammacakka mudra as if he's teaching the Dharma. But the Buddha spent so much time walking from place to place in order to spread the Dhamma. अक्सर हम बुद्ध की प्रतिमाओं को ध्यान में ध्यानस्थ बैठे हुए देखते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, या फिर हम बुद्ध को धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में देखते हैं, जो धम्म सिखा रहे उस मुद्रा में देखते हैं. लेकिन बुद्ध ने स्वयं अपना काफी जीवन जो है वह चलने में बिताया, वॉकिंग करने में या यात्राओं में बिताया है, वो चले. And in his teaching, the Buddha spread or planted the seeds for what we might call a spiritual revolution in India. तो इसका अर्थ यह भी हम कह सकते हैं कि जहां जहां बुद्ध गए वहां वहां उन्होंने धम्म क्रांति के बीज बोए, उसे एक धम्म की क्रांति कह सकते. He planted the seeds of the spiritual revolution by breaking down the barriers of caste and class, which is such a burden, such a plague to the Indian society of this time. और बुद्ध ने धम्म क्रांति के जो बीज बोए, उसमें बुद्ध ने यह प्रयास किया कि जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो दो जातियों में हो या जो दो वर्गों में हो, उसे वो तोड़े, जो आज भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है या एक बहुत बड़ा दबाव का कारण है. तो बुद्ध ने इन रुकावटों को, बाधाओं को तोड़ने की कोशिश की. Yeah, the Buddha told us that what
What represents the worth or value of a person is not their caste, their birth, their wealth, or their social class, but their character, their wisdom, their virtue, their compassion, their inherent goodness. Buddha ne swayam kabhi bhi jati mulak yogyata, janma mulak yogyata, या धन मूलक योग्यता को प्राधान्य नहीं दिया. बुद्ध ने हमेशा ही प्रज्ञा मूलक या जिसको प्रज्ञा प्राप्त है, जो प्रत्यक्ष अनुभव से धर्म का आचरण करता है, उनके जो नैतिक मूल्य है, उनका जो चरित्र है, उस चरित्र को बुद्ध ने योग्य माना. So even though the Buddha in this time could not abolish the caste system in India because it was too strongly established, but within his monastic order, all caste distinctions were to be swept aside. Swayam Buddha bhale hi apne kaal mein samuche jo us waqt ka jo Bharat hoga usse jati vyavastha nasht nahi kar paaye hoge, lekin nischit hi jis sangh ki unhone sthapna ki, jis sangh ka unhone nirman kiya, उसमें से उन्होंने पूर्णतः जाति को नष्ट कर दिया था. I think we can say that one of the great achievements of Dr. Ambedkar is to draw upon this initial inspiration from the Buddha and develop this thought of the Buddha in ways that are applicable to society today, particularly to Indian society. तो ऐसा हम कह सकते कि शायद बाबा साहब ने मूलतः एक ऐसे विचार से प्रेरणा ली जो प्रेरणा स्वयं बुद्ध से आती है, और उन्होंने एक ऐसा समाज विकसित करने की कोशिश की जहां जाति हावी ना हो या वो समाज जाति मूलक ना हो. और यह मुख्य महत्व आज भारतीय समाज में रखता है. So we could perhaps say that Dr. Ambedkar is extending into the social, economic, and political realms the trends of thought, the seeds of thought that were already planted by the Buddha during his own lifetime. So aisa hum keh sakte hain ki Baba Sahab ne yah jo vichar ki shrinkhala hai, yah jo vichar ka jo विचारों की जो तार है, यह तार उन्होंने जोड़ी मानवीय जीवन के आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन में लाने के लिए ऐसे बीज से जोड़ी जो बीज स्वयं बुद्ध ने बोए थे. So the thought of Dr. Ambedkar gives us a picture of the ideal society that is already implied by the teachings of the Buddha. तो बाबा साहब की प्रेरणा या उनके जो विचार है, वो विचार कैसे बुद्ध से वैसे ही प्रभावित थे, यह हमें देखने को मिलता है. Yeah, this would be a society which upholds principles of social and economic justice, which provides for the well-being, the material and spiritual well-being of all citizens, and which ensures that all people can live lives of dignity. Iska tarjeh hota hai ki jis samajik ya aarthik vyavastha mein log jee rahe hain, wo sabhi log wo sukhi rahe, unki unka jo samajik aur aarthik jeevan hai usme wo hitkarak rahe, yah prerna baba sahab ne li. So I would say that one of our tasks today as Buddhists, and this applies whether in India, in Western countries, everywhere, is to strive to create a more just society in all dimensions, a society which respects the inherent dignity and value of every human being and gives every person the opportunity to flourish in all aspects of their lives, spiritual and material.
तो यह बात जो आत्मसम्मान की बाबा साहब ने बुद्ध से दी और लोगों के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में लाई, यह बात केवल भारत के लिए ही नहीं लेकिन जो पाश्चिमात्य जगत है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वहां पे भी जो लोग जी रहे हैं उन सब के लिए हर एक नागरिक को उनको वह न्याय का या आत्मसम्मान का जीवन मिले, वो उनका धार्मिक जीवन हो या उनका भौतिक जीवन हो, उस जीवन में यह सम्मान सब लोगों को मिले, ऐसा इसका अर्थ होता है। And there's one other task that we all face today, which was not fully recognized by the Buddha, and which is not fully recognized by Dr. Ambedkar, but has become very urgent. That is to protect and preserve the natural environment. और भी एक महत्वपूर्ण कारण है जब हम सबका हित या सुख चाहते हैं, जो शायद बुद्ध ने उस तरीके से प्रमुख रूप से कहा नहीं होगा या बाबा साहब ने प्रमुख रूप से कहा नहीं होगा, वह है कि निसर्ग या सृष्टि की सुरक्षा करना, अपने क्लाइमेट मतलब वातावरण की सुरक्षा करना, निसर्ग की सुरक्षा करना। Because human beings can only flourish if we have a healthy and strong natural environment, and so we have to be very careful to ensure that we don't continue to destroy the environment and to continue to accelerate the change in the climate, which would make life unbearable for everybody. तो व्यक्ति सुखी तब भी नहीं रह सकता है अगर उसके इर्द गिर्द का जो वातावरण है, जहाँ मौसम है, सृष्टि है, निसर्ग है, वह अगर सुसंवादित नहीं रहे तो हमने उसको आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, हमने उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, और अगर वह नष्ट होता जाएगा तो फिर हर किसी का जो जीवन है वह विचलित होगा या डिस्टर्ब होगा, उससे उनको तकलीफ होगी। So again, I'm grateful for the opportunity to share some of my thoughts with you today, and I wish you all a very happy and fruitful celebration on this Kartika Purnima day. तो मैं फिर से आप सब लोगों का काफी धन्यवाद देता हूँ और मुझे सम्मानित महसूस हुआ ऐसा मुझे लगता है, और आप सब लोगों को मैं कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों का यह जो उत्सव है वह अच्छा जाए, यह मेरी मनीषा। बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय भंते जी। बहुत ही बेखूबी से भंते जी ने कहा कि किस तरह से बुद्ध ने अपने जो शिष्य है उनको एक तरह से धम्म जीवन या बुद्ध की शिक्षा अपने जीवन में किस तरह जीने की एक सलाह दी, सूचना दी है। और उन्होंने ये कहा कि बुद्ध ने भले ही हमें कमल के फूल पर बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन बुद्ध का सारा जीवन ही चलते हुए गया है, और उसी चलने से बुद्ध ने धम्म क्रांति के बीज बोए हैं, और वही बात हमें बाबा साहब के जीवन में दिखाई देती है कि बाबा साहब ने हमारे जीवन के हर पहलू में कैसा परिवर्तन हो, किस तरह से बदलाव हो, और किस तरह से हम इस धम्म के सहारे आत्मसम्मान से जिए, यही शिक्षा दी है। और बाबा साहब का ये जो उदाहरण है ये केवल भारतीय लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया ने उस उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए, यही बात भंते जी कहते हैं। तो मैं तहे दिल से फिर एक बार उनको धन्यवाद देता हूँ, और इसके पश्चात हमारी जो अगली वक्ता है वो है धम्मचारिणी विमल सारा। Our next speaker will be Dhammacharini Vimal Sara. तो विमल सारा जी हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, ये जो अंतरराष्ट्रीय
संघ है उसकी सदस्य है। वो स्वयं एक बहुत ही कृतिशील ऐसी कार्यकर्ता है। वो जो हमारा त्रिरत्न बुद्धि सेंटर है वैंकूवर में, उसकी वो चेयरपर्सन है। उन्होंने एक दो किताबें लिखी है और खास करके जो युवा है या जो ड्रग एडिक्ट लोग है उनको धम्म के जरिए किस तरह से उससे मुक्त कराया जाए, इसलिए उनका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्य है। तो मैं ज्यादा समय परिचय में न देते हुए अनुरोध करता हूँ धम्मचारिणी विमल सारा को। सो आई डू रिक्वेस्ट विमल सारा टू जस्ट एनलाइटन अस विथ योर थॉट्स एंड आई रिक्वेस्ट धम्मचारी नागमित्र टू ट्रांसलेट फॉर विमल सारा जी। Jai Bhim. Jai Bhim. And thank you so much for inviting me to your Sangha Day. आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आपके संघ दिन के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। It's a great honor to be asked to speak today. ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आपने मुझे इस दिन के अवसर पर कुछ कहने के लिए कहा है। And I, my thoughts, it's a stream of consciousness. और मेरे जो विचार है एक तरीके के एक प्रवाह के रूप में है। Two days ago, I just put pen to paper and just had a stream of consciousness. मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे पेन लिया और पेपर पे अपने चेतना की एक श्रृंखला बनाई। So these are my thoughts. ये मेरे अपने विचार हैं। It's a call to action. ये जिसको हम अपने कार्यरत कृति को उजागर करते हैं ऐसा दिखता है। To emancipate our minds from mental slavery. हमारी मानसिक गुलामगिरी से अपने मानसिक आजादी हमको करना है उस श्रृंखला में। Dr. Ambedkar once said, "I was born a Hindu. I won't die a Hindu." बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मैं हिंदू करके पैदा हुआ, पर मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। I believe he saw this as the beginning and the end of his suffering. वहां उन्होंने अपने एक तरीके से दुख को समाप्त या उसका अंत देखा। As he and many of his caste had thought, they were imprisoned. उन्होंने और उनके सारी उस समाज ने उस समय अपने आप को बहुत उस नरक यातना में देखा। And enslaved by the fact of their low caste or non-caste birth. और एक तरीके से बहुत ही निचले जाति में पैदा होना या फिर जाति में ही गिनने में नहीं आना, उस तरीके से उस गुलामगिरी में उन्होंने देखा। Nobody is imprisoned or enslaved by their birth. कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है। The only thing that can be enslaved is the mind. कोई भी अगर बात देखा जाए तो वो होता है हमारा मन जो हमें गुलाम बनाता है। And we can emancipate the mind from mental slavery. और हम अपने मन को उस मानसिक गुलामगिरी से आजाद कर सकते हैं। Baba Saheb Ambedkar realized that all caste was a notion of mind. बाबा साहब को पूरी तरह से अस्वस्थ हो गए थे कि ये जो जाति है ये एक मन की बीमारी है, मानसिक बीमारी है। A state of mind. ये एक तरीके से मन की अवस्था है। So therefore you needed a religion to emancipate the mind. और इसीलिए आपको ऐसा एक धम्म चाहिए जो आपको इस गुलामगिरी से आजाद करे, मुक्त करे। In 1956 he does the most radical thing. 1956 में उन्होंने बहुत ही अद्भुत ऐसा कदम उठाया था।
he and hundreds of thousands of people convert to Buddhism. उन्होंने स्वयं और कई अपने लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतर करा था. It's said that Baba Sahib Ambedkar said, बाबा साहब ने ये कहा था, I have left hell. मैंने अपनी आजादी नरक से कर ली है. He was not talking about Hinduism. वो वहां हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे थे. He was talking about the hell of his own mind. वो अपने स्वयं के मानसिक जो नरक या अवस्था थी उसके बारे में कह रहे थे. He had left the hell of his mind. उन्होंने अपने स्वयं की उस नरकीय अवस्था को छोड़ दिया था. All religions have their traps. हर धर्म में इस तरीके की एक पिंजरा बना हुआ है. Where we can spiritually bypass. जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से नजरअंदाज कर सकते हैं. And this includes Buddhism. और बुद्ध धर्म में भी इसका सहभाग हम कर सकते हैं. He had freed himself from the prison of his mind. उन्होंने अपने आप को उस कैद से आजाद किया था. And we could say that perhaps the purpose of any religion or spiritual practice. और हम कह सकते हैं कि ये सभी धर्मों का और सभी आचरणों का मुख्य उद्देश्य है. Is about transforming the heart mind. हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने मन को पूरी तरह से बदले. All of you here in India. जो भी भारत में है. I want to remind you of your precious birth. मैं आपको याद कराना चाहती हूँ आपके मौल्यवान जन्म की. A birth where you have been born into the birthplace of the Buddha. आप उस जगह जन्म लिए हो जहाँ तथागत बुद्ध ने जन्म लिया था. Born at a time where Buddhism has had its third revival in India. बुद्ध ने वहाँ जन्म लेके एक तरीके से मानवता का पुनरुत्थान किया था. Ambedkar's birth was precious. बाबा साहब का जन्म भी बहुत मूल्यवान. It's why I believe that he was able to do the largest ever single conversion in one day to any religion. और हमको इस बात से उसका दोतक मिलता है कि उन्होंने अकेले ही इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतर कराया था. Why he was able to reclaim Buddhism. क्यों उन्होंने बुद्ध धर्म को ही मुख्य धारा माना? Because the Dharma was on his doorstep. क्योंकि धम्म ही उनके कदम को लेकर चलते थे. He was able to move the little dust from his eyes. वो बहुत ही काबिल थे कि अपने आंखों पे पड़ी हुई जो धूल है उसको साफ कर सके. The Dharma is here on your doorstep. आपके भी कदमों के सामने धम्म है. Waiting for you to be caught by it. और वो इंतजार कर रहे कि आपको वो आपको अपने उस प्रवाह में शामिल कर ले. Baba Sahib dedicated his life to the uplift of his people. Baba Sahib ने संपूर्ण अपना जीवन समर्पित किया था अपने समाज का उत्थान करने के लिए. Like the Buddha, he knew his own emancipation was not enough. बुद्ध की तरह ही उनको ये मालूम था कि मेरे अपने ही मुक्ति से सब कुछ नहीं होगा. The moment he sat by the railway tracks after being beaten out of his home by Parsis. वो एक तरीके से, could you repeat please? The moment he sat by the railway tracks after being beaten out of his home by Parsis. तो जहाँ वो एक रेलवे स्टेशन पे अपने घर जाने के लिए जो बैठे हुए थे. He thought, if I have this much education and this is happening to me. और वो ये सोच रहे थे कि अगर ये इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है. What about the rest of my caste who the majority had not had
the same privileges as he. तो फिर उनके साथ में क्या होगा जिन्होंने इस तरीके का कोई भी उनके पास में सुविधाएं नहीं है और शिक्षा नहीं है. And so he dedicated his life to the uplift of his people. और इसी वजह से उन्होंने सारा जीवन अपना अपनी उस कम्युनिटी का उनको ऊपर उठाने में दिया. And all of you here, what are you doing with your life? और यहाँ वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ? I live in a world where people who look like me. मैं उस दुनिया में रहती हूँ जहाँ लोग मेरी तरह दिखते हैं. And are still being killed by the police. और वहाँ अभी भी पुलिस के द्वारा हमारी निर्मम हत्या की जाती है. Who are still being oppressed by systemic racism. अभी भी ये वर्ण भेद की वजह से हमको उसका मुकाबला करना पड़ता है. I live in a world where colonizers didn't even think they could take the African out of us. वो ऐसे दुनिया में मैं रहती हूँ जहाँ अभी भी वो लोग सोचते हैं कि मैं जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनको ये धूल की तरह बाजू कर दे. We were seen as savages. हमने वो हिंसा जंगली वैशीपन देखा. And we are still killed like animals. और अभी भी हमें प्राणियों के जैसा हमारी निर्मम हत्या की जाती है. When that policeman had his knee on George Floyd's neck. जब वो पुलिस वो जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पे अपनी अपने घुटने को दबा रहा था. And many other policemen who have had their knees on black people's necks. और ऐसे ही कई गोरे पुलिस काले लोगों की गर्दन पे अपने घुटने को घुटने से दबा रहे थे. It's the same way they kill animals. वो उसी तरीके से प्राणियों की निर्मम हत्या करते हैं. And many of you who are Buddhists. और जो आप में से जो लोग बौद्ध हैं. Or identify as Dalit. या फिर अपने आप को दलित के नाम से जानते हैं. Are still oppressed by systemic casteism. अभी भी आप मतलब जो जाति व्यवस्था की एक परिस्थिति है उससे पीड़ित हो रहे हैं. And killed savagely. और बड़ी निर्मम आपकी हत्या होती है. And despite all of this. और इसके बजाय. You can be poor. आप बहुत गरीब रह सकते हैं. Live with few belongings. बहुत ही कम साधनों के साथ में जीते हैं. Live in the villages, live in the city slums. जो कि आप देहातों में रहते हैं या फिर झोपड़पट्टियों में रहते हैं शहरों में. You can still have stillness, simplicity and contentment. बावजूद उसके आप सादगी संतुष्टि और समाधान से जीते हैं. Nisargadatta. और what you said? Nisarga Mahasa Nisargadatta. और इस तरीके से जो महासागर है. Born in 1897, sold tobacco and gained enlightenment. Or sorry, I haven't heard. Nisargadatta, born in 1897, sold tobacco and gained enlightenment. और ये जो नाम उन्होंने लिया वो 1891 में पैदा हुए और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया. It's not your birth, it's your worth that counts. तो ये बताए कि ये कोई मतलब तुम्हारे जन्म से नहीं तो आपके कर्म से है. As the Buddha reminds us. जो कि बुद्ध ने हमको अक्सर स्मरण कराया. Awakening is the revolution of the heart mind. जागृत होना ये हमारे मन को ऊंचाई की तरफ ले जाने की बात है. It's a mental state that understands impermanence. और मन यह बताता है कि आप अनित्य को समझते हैं. The deathless one is one who understands and happily accepts their own mortality. और वही लोग हैं विजेता जो अपने आप के इस अवस्था को समझते हैं कि कोई भी चीज मतलब जो है वो परिवर्तनशील है.
that every breath takes us closest to our death. हर सांस जो है हमें मृत्यु के समीप ले जाती है. Every breath is the first and last. हर जो सांस है हमारी वो पहली और अंतिम होती है. We bring it into being a breath and then it must cease. और हम उस सांस के साथ एक जीवन लेते हैं और वहीं हम उस सांस को देखते हैं. And we may ask, why have we been born into bodies that people despise? हम कभी-कभी सोचते हैं कि इस तरीके के शरीर से हम क्यों जन्म लिए जहां हमको ऐसा लगता है कि हम उसमें फंसे हैं. Why were we born into bodies that were deemed to be the lowest of the lowest? क्यों ऐसा हमारा लगता है हमें कि हम बहुत ही कनिष्ठ है और कनिष्ठ है. I too can ask that question. मैं भी अपने आप को यह सवाल पूछती हूँ. Why was I born into a body that has been enslaved? मैं इस शरीर में क्यों पैदा हुई जो गुलामों के जैसा है. That is still victimized because of its color and its gender. जो कि मुझे इस रंग से और इस लिंग से दर्शाया जाता है. The real slavery is our mental slavery. मगर सही गुलामी हमारी मानसिक गुलामी है. As Bob Marley once said, ये जो बॉब मॉली है एक बार कहे हैं, No one but ourselves can free ourselves from slavery. कोई भी हमें आजाद नहीं कर सकता इस गुलामी से बशर्ते हम. People may think they can own our bodies. लोग समझते हैं कि वो अपने शरीर को उस तरीके से धारण किए हुए हैं. They may think they can flog our bodies. वो सोचते हैं कि यहाँ से वो इस शरीर से अलग हो सकते हैं. They may think they can kill our bodies. वो समझते हैं कि वो अपने शरीर को खत्म कर सकते हैं. They cannot own our minds or kill our minds or flog our minds. पर वो किसी भी तरीके से हमारे मन को हमारी जो जागृति है उसको नहीं मार सकते. A good friend of mine, Padmadara, once said. एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पद्मधारा उन्होंने कहा. We must come alive to our racial identities. हमने अपने जो वर्ण की पहचान है उससे ऊपर उठना चाहिए. But not be defined by our racial and cultural identities. हमने अपने इस वर्ण भेद से हमारी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए. And we do this by stop clinging to our suffering. और ये हमने अपने जो दुख को साफ करने के लिए नहीं करना चाहिए. Let go of our attachments to our identities. हमने अपनी पहचान से हमारी अपनी आसक्ति को छोड़ना चाहिए. That do not help us progress along the path. वो हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए निश्चित ही बहुत सहायता करेगा ऐसा नहीं है. This is what Baba Sahib Ambedkar did when he converted to Buddhism. और बाबा साहब ने यही किया जब उन्होंने धर्मांतर किया. He stopped clinging to identities that didn't allow him to progress along the path. अपनी पहचान जो पहचान उनको अपने विकास में बाधा बनती है उसको ही उन्होंने आजाद हुए उससे. At some point we have to let it all go. और कुछ हद तक हमने भी इस तरीके से छोड़ देना चाहिए. We cannot take our caste, our race, our religion, our gender with us when we die. तो ये जो हमारा रंग है, हमारी जात है, हमारा जो भी पहचान है, वो हमारे मरने तक के हम नहीं निकाल सकते. We can begin to see now that we are not our gender, not our skin color, not our caste. तो हमने ये देखने की कोशिश शुरुआत करना चाहिए कि मैं अपने लिंग से नहीं, अपनी जाति से नहीं, अपने रंग से नहीं पहचानूंगा. We are the earth, wind, fire and water. तो हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु से बने हैं.
and even these elements are empty of a self. और ये धातु अपने आप में ही शून्य है. There is an ending to everything. सभी चीजें नष्ट होती हैं. Even Baba Saheb Ambedkar, one of the most important Buddhist teachers in modern times. Baba Saheb, ये जो आधुनिक भारत के बहुत अच्छे बुद्ध धम्म के शिक्षक थे. Came to an end. वो भी उनका भी अंत हुआ. Dead in 6 weeks after doing the mass conversion. केवल 6 सप्ताहों के धर्मांतर के बाद ही उनका मृत्यु हुआ. In his short life, he achieved transforming the lives of hundreds of thousands of people. और ये उनकी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने लाखों लोगों के जीवन परिवर्तित किए. You are his legacy. आप उनका वारस हो. Just like I am the legacy of my ancestors. जैसे कि मैं अपने पूर्वजों की वारस हूँ. Who fought for the freedom from the plantation fields, the freedom from slavery. मैं भी उसी तरीके से उस गुलामी से उस रंग भेद के परिस्थिति से आजाद होने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ. Wake up. We have no idea how long we have. जागरूक हो जाइए. हमको पता नहीं कि हमारी जिंदगी कितनी समय तक है. What are you going to do with your life? आप क्या करने जा रहे हैं अपने जीवन के साथ? You may be free of Brahmanism, you may be free of Hinduism. आप भलाई मुक्त हो जाएंगे ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से. I may be free of slavery. मैं भी गुलामगिरी से आजाद हो जाऊंगी. But what is the point if you are not free of greed, hatred and delusion? मगर क्या फायदा अगर हम अपने लोभ मोह द्वेष से आजाद नहीं होंगे तो? Baba Saheb Ambedkar was free. बाबा साहब उस लोभ मोह द्वेष से आजाद थे. He helped to free others. उन्होंने दूसरों को इस तरीके से आजाद होने के लिए मदद करी. And the freedom he has given you is just one battle won. और उन्होंने जो आजादी दी वो एक ही युद्ध कर दी. There are many battles to face. वहां बहुत सारे ऐसे युद्ध है जिसको हमको मुकाबला करना है. The self is staring you in your face. आपका स्वयं का जो अस्तित्व है वही आपको मुकाबले के लिए आमंत्रित करता है. Anatta, anatta, anatta. अनित्य, अनित्य, अनित्य. Can you see through it? क्या आप उसको देख सकते हैं? Can you let go of it? क्या आप इस विचार को छोड़ सकते हैं? If not, what is it you are afraid of? अगर छोड़ते नहीं तो कौन सी बात से आप डर रहे हैं? Baba Saheb Ambedkar was fearless. बाबा साहब पूरी तरह से भयमुक्त थे. He burnt the Manusmriti. उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था. He drank from the tank of water. उन्होंने उस चौदार तालाब से पानी लिया था. He swore he would not die a Hindu. उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं. We must be fearless too. हमने भी उस पूरी तरह से भयमुक्त होना चाहिए. And sometimes use that wrathful energy. और कभी कभार हमने वो एक जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. Act now. कार्यरत हो जाइए. Are you going to be that walking Buddha? आप उस चलत बुद्ध के जैसे होने जा रहे हैं. I urge you to reflect, what are you going to do with the rest of your life? मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आगे के जीवन के साथ कैसा जीने वाले हैं. जय भीम. जय भीम. आप म्यूट हो सर. बहुत बहुत धन्यवाद विमल सारा जी.
बहुत ही खूबी से अपने प्रवचन में आपने मानसिक गुलामी से मुक्त होने का जो संदेश दिया है, और उसी के साथ बाबा साहब की जो विरासत है, उस विरासत को हमें कैसे आगे लेकर जाना चाहिए, किस तरह से अनित्यता को समझ के हमने हमारे अंदर के जो द्वेष, जो तृष्णा, जो मोह है, उनसे अगर हम मुक्ति नहीं पाते हैं तो हम किस से डर रहे हैं। और अंत में आपने जो कहा कि नागलोक के स्थित जो चलता बुद्ध है, चलत बुद्ध है, क्या उस बुद्ध के तहत आप चलने के लिए तैयार हैं? और हमें सही में उन्होंने जो कहा है उस पर चिंतन करके अपने जीवन को उस प्रकाश में हमें देखना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विमल सारा जी फिर एक बार, और इसके पश्चात हमारी जो दूसरी वक्ता है, आवर नेक्स्ट स्पीकर विल बी किम बेहान। सो किम बेहान जी जो है वो ये जो बुद्धिस्ट ग्लोबल रिलीफ है उसके वो एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके कार्यरत थी, और उस हाइसेस से उन्होंने बहुत भारी मात्रा में कार्य किया है, और उस कार्य का बहुत भारी जो हिस्सा है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि अपने दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु और उस तरफ का जो हिस्सा है, अरुणाचल तवांग इस तरफ है, और उत्तर प्रदेश में भी उनका काम जारी है, और इस काम के लिए उनको ऑक्सफर्ड अमेरिका ने नवाजा भी है। सही में उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया उसका उन्होंने कई आर्थिक दृष्टि से कोई पैसा नहीं लिया है, वास्तविक रूप से उन्होंने अपना पूरा समय शक्ति उस महान कार्य के लिए एक दान के रूप में दी है। और किम बेहान का एक ही सपना है, और वो सपना ये है कि ये जो दुनिया में जो भूख मरी है, जो दरिद्री है या दारिद्र्य है, और जो अन्याय है, इन तीनों बीमारियों को मिटाने के लिए मानो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और आज ये जो किम बेहान है वो पूजनीय भंते भिक्कु बोधि इनके बहुत करीब से कार्यरत है, क्योंकि भिक्कु बोधि स्वयं इसके संस्थापक है बुद्धिस्ट ग्लोबल रिलीफ के। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सिस्टर किम बेहान टू स्पीक ऑन दिन ओकेजन, एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ टू ट्रांसलेट हर वर्ड्स इनटू हिंदी। Thank you so much, my trainer. Did I say your name correctly? Yeah, thank you. Good morning. My name is Kim Bihan, and I'm the executive director of Buddhist Global Relief. I'm happy to join the Nagaloka team, as well as the Sangha today on this full moon day. And thank you to Dr. Mike Traver for the invitation to join the meeting today. So, वो कहते हैं कि वो उनका नाम किम बेहान है और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है अभी भी, और नागलोक के इस संघ समारोह में सम्मिलित होने के लिए और उनको बुलाने के लिए उनको बेहद खुशी हो रही है। Before I share the work of Buddhist Global Relief, I would like to give a brief account of my early years growing up in Vietnam, my life in the US, as well as encountering the Dharma. So, वो कहती है कि ये जो बुद्धिस्ट ग्लोबल रिलीफ का जो कार्य भारत में चल रहा है,
उसका ब्यौरा आपके सामने देने से पहले उनका जो जीवन वियतनाम में और जो अमेरिका में गया है और जो धम्म में उनका योगदान रहा है उसके बारे में वो कुछ संक्षिप्त में कहना चाहती है। I was born in Vietnam and grew up in a Buddhist family. And my parents are philanthropists. They're very generous with their wealth and taught me to be generous. तो उनका जो जन्म है वो वियतनाम में हुआ। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही जनरस थे, दान भावना से प्रेरित थे और वही जो सद्गुण है उन्होंने किम बेहान इनको भी सिखाया। My father, growing up, my father stressed the importance of education as well as the need to help others. उनके पिताजी ने उनको इस बात का एहसास कराया कि जीवन में शिक्षा कितनी महत्व रखती है और उसी के साथ साथ औरों को मदद करना भी कितना महत्वपूर्ण रहता है या होता है। There's a lot of suffering in Vietnam when I was growing up due to poverty and war. And there's a lot, and there are many girls that were my age were forced to go to work for my parents, and here I am going to school. तो कहती वियतनाम में उस समय जब वो उनका बचपना चल रहा था तो परिस्थिति बहुत ही गरीब ऐसी थी और उनकी उम्र की जो जो वो स्वयं स्कूल में जा रही थी तो उनकी उम्र की कुछ लड़कियों को काम करने के लिए भी जाना पड़ता था। I always ask myself the question, why am I going to school? Why other girls are being forced to go to work? Why is the discrepancy? Why is the difference? तो वो हमेशा स्वयं को ये सवाल किया करती थी कि मैं जब मेरे जीवन में स्कूल में जा रही हूँ तो मेरी उम्र की जो अन्य बच्चियां है उनको जबरन काम पे क्यों जा रहा है और उनमें और मुझ में ये जो फर्क है वो किस कारण है, ये फर्क क्यों हो। So at a young age I have developed compassion for the poor and I knew deep in my heart that this is something I wanted to do when I grow up. और इस युवा अवस्था में ही मेरे हृदय में मैंने करुणा को विकसित किया और मुझे ये याद रखना पड़ेगा या पड़ा कि मेरे जीवन में आगे चलकर मुझे इन्हीं बातों को सामने लेकर जाना है। I attended private French schools in Vietnam, and after graduation from high school, I had the opportunity to come to the U.S. for university studies. तो उन्होंने वहाँ के ही स्थानीय स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की, और उनके ग्रेजुएशन के बाद उनको मौका मिला अमेरिका में जाकर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। I came to the US at the end of 1973, and in 1975, the country became communist, and overnight, I lost the financial support for my parents. तो वो 1993 में वहां पर आई अमेरिका में, और दो साल के बाद यानी 1995 जो देश है वो कम्युनिस्ट बन गया और उसी के साथ साथ उनको जो आर्थिक सहाय मिलता था वो मिलना बंद हो गया। So at that time I made the determination to devote myself to the studies as I realized that that's the only way for me to get out of poverty is through education. तो उस समय उन्होंने ये निश्चय किया कि उनका जो जीवन है वो शिक्षा के लिए समर्पित करेगी।
So with the help from the US government, with a financial package for students from Vietnam that are trapped by the war, we got like a one-third grant, one-third work study, and one-third loan. And that's how I put myself through college. तो कहती कि वहाँ अमेरिका के सरकार की जो शिक्षा नीति थी उसके सहायता से उन्हें कुछ मदद मिली और फिर से उनका जो उनकी शिक्षा शुरू हो गई. So I received my bachelor's degree in management and a master's degree in software engineering. तो उन्होंने उनकी जो बैचलर डिग्री है वो मैनेजमेंट में हासिल की और जो मास्टर डिग्री है वो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हासिल की. So I had a very good job in software engineering for a very large telecommunication company in the US for almost 28 years. So, अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी में उनको अच्छी सी नौकरी मिली और वो नौकरी उन्होंने लगभग 28 साल तक की. So even though I had security in life at that point, I felt deep in my heart that this is not enough, that there's something that's missing in my life. तो पूरी तरह से उनको उनके जीवन में सुरक्षा थी, फिर भी उनको ये लगता था कि ये बात उतनी पर्याप्त नहीं है, अभी भी मेरे जीवन में कुछ तो कमी है और उस कमी को वो ढूंढ रही थी. So I set out to study Buddhism and a career in non-profit field took shape. तो फिर उन्होंने ये निश्चित किया कि उन्होंने बुद्ध धम्म की पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ उसमें काम करना चाहिए. I attended the first Dharma retreat in July of 2006 and met Venerable Bhikkhu Bodhi and I never looked back. तो 2006 में उन्होंने पहला उनके जीवन का धम्म शिविर किया और उस शिविर में उनकी मुलाकात पूजनीय भिक्खु बोधि जी से हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है. In 2008, I was invited by Venerable Bhikkhu Bodhi to participate in the formation of Buddhist Global Relief. I serve on the board of Buddhist Global Relief. And in 2009, the organization needed an executive director and I volunteered to serve in that position until now. So 2008 में भिक्खु बोधि जी ने उनको निमंत्रित किया और उस समय ग्लोबल बुद्धिस्ट ग्लोबल रिलीफ इस संगठन की स्थापना हुई और उस संगठन के लिए एग्जीक्यूटिव निदेशक की आवश्यकता थी और जो किम बेहा ने उन्होंने उस पद के लिए स्वयं तरफ से किसी भी मुबदला न लेते हुए काम करने का इरादा किया यानी तय किया. So what does Buddhist Global Relief do? So ये जो बुद्धिस्ट रिलीफ ग्लोबल रिलीफ है वो क्या करता है? Our mission is fourfold. तो उनका जो कार्य है उसके चार आयाम है. We provide food aid to those afflicted by hunger and malnutrition. तो जो भी लोग है भूख से और कुपोषण से पीड़ित है उन लोगों के लिए अनाज देना ये उनका काम है. We provide education to children, especially girls, as we realize that the deepest roots of poverty is the lack of education.
और जैसे उनको ये पता चला है कि ये जो समस्या की जो जड़ है वो शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन विशेष रूप से लड़कियों के लिए। We also provide livelihood vocational training to women who did not have the opportunity to have a formal education. और जिन महिलाओं को ये मौका नहीं मिला कि अपना शिक्षा या पढ़ाई करे, उनके लिए कुछ व्यवसाय प्रशिक्षण और जो आजीविका देने का भी काम ये ग्लोबल बुद्धिस्ट ग्लोबल रिलीफ करता है। We also support farming programs to small-scale farmers, mostly women, so they can provide for themselves and their families. So, ये जो खेती की जो परियोजनाएं हैं, जो छोटे-छोटे जो किसान हैं, और खास करके उसमें भी जो महिलाएं हैं, उनको वो देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। Our projects take place in countries of Asia, through India, Bangladesh, and Sri Lanka. तो उनके जो प्रकल्प है वो एशिया में चलते हैं, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और भारत में भी वो कार्यरत है। Also Africa, South and Central America, and in the US. तो अफ्रीका है, साथ है साउथ अमेरिका भी कुछ भाग है, वहां भी उनका कार्यक्रम चलता है। In 2008 when we first started we had 3 projects and today we sponsor 45 projects worldwide with an annual budget of $600,000 a year. तो शुरुआत में उनके 2008 में केवल 3 ही प्रकल्प थे, आज उनकी लगभग 45 परियोजना है और $6,000 से भी ज्यादा उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, $6,000 है। And in 12 years we have raised over $4 million and we help tens of thousands of families around the world. Will you please repeat again, sister, because your voice is... Yeah, in 12 years that Buddhist Global Relief have been in existence, we have raised over $4 million and we help tens of thousands of families around the world. So, तन्नी, उन्होंने अभी तक अने इस अभी 4 मिलियन डॉलर से ज्यादा राशि यानी फंड्स खड़ा किया है और लगभग 10,000 से ज्यादा जो लाभार्थी है वो उनके पास है। So let me tell you about some of our projects in India. So भारत में हमारे जो कुछ प्रकल्प है, परियोजना है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। Yeah, as an example of a food aid project, we partner with Lotus Outreach to provide nutritious food to 175 poor. Yeah, this is an example of food aid project. So, एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो अन्य सहायता परियोजना है और जो यहाँ साउथ की तरफ जो है वहां हम लगभग 175 लोगों को उससे सहायता देते हैं। We partner with Lotus Outreach to provide nutritious food to 175 poor students in the rural area of Tamil Nadu, India, so they can study in school. So तमिलनाडु का जो गरीब हिस्सा है जहां पर हम 175 गरीब छात्रों को इस योजना से लाभान्वित करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे।
In the area of education, we work with Bodhicitta Foundation in Nagpur, India. So Nagpur, India mein jo Bodhicitta Foundation hai, unke saath unka karya hai. Yeah, we provide a home, the hostel and scholarship to 30 young women. To hum jo ashray sthan hai, shishyavritti hai, wo dete hai jo jisme 30 jo mahilaon ka hissa hai. These girls come from the poorest regions of India and many belong to the Dalit caste. तो ये जो 30 महिलाएं हैं वो बहुत गरीब ऐसे हिस्सों से आती है और सभी के सभी जो है वो दलित जातियों से जुड़ी हुई है. And upon graduation, they will return to their village and act as agent of change in their community. तो उनकी जो पढ़ाई जब पूरी होगी तो वो अपने गांव जाकर एक माध्यम के रूप में काम करेंगे और औरों को उसी तरह से बदलने के लिए वो प्रवृत्त करेंगे. As far as livelihood projects, जैसे देखा जाए तो कुछ आजीविका के प्रकल्प भी है. We partner with building bridges in Sangwar, Punjab, to help 125 widows learn sewing. Oh, Punjab. 125 widows learn sewing, embroidery, and business skills. So Punjab में जो एक संस्था है Building Bridge, उनकी सहायता से हम कार्य करते हैं और वहाँ जो विधवाएं हैं 125 उनको उन्होंने शिलाई का काम पढ़ाया है. And their income went up by 75%. और उनका उनकी जो वहां से जो आय है वो लगभग 75% होती है. As an example of agricultural project, एक उदाहरण के तौर पर जो खेती की परियोजना है. We work with Oxfam India to help 500 women farmers in Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh. तो Oxfam India के तरफ से उत्तर प्रदेश में लगभग 500 जो किसान महिलाएं हैं उनके लिए ये कार्यरत है. With training in agriculture and production of which crop with varieties. We provide them with training in agriculture. स्थानीय जो वस्तुएं हैं कार्यात्मक संख्यात्मक प्रकल्प के लिए उनको प्रशिक्षित करते हैं. So those are some of the examples and of the projects, and you can find more on our website, more part the full range of projects on BGR website. तो अभी मैंने जो बताए वो कुछ उदाहरण मात्र है हमारी परियोजना के और अन्य जो हमारा काम है जिसको आप हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से देख सकते हैं. The work for Buddhist Global Relief truly inspired me very deeply. तो ये जो Buddhist Global Relief का जो कार्य है उसने मुझे सही मात्रा में बहुत ही प्रेरित किया. When I learned that the children get food aid so they can study in school. जब मुझे ये बात पता चली कि बच्चों को जब खाना मिलता है तो खाना मिलने के बाद वो अपने स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. Girls receive scholarships so they can stay in school instead of dropping out to work to support families. तो जैसी बच्चियां हैं
जब उनको हमने कुछ शिष्यवृत्ति दी तो स्कूल छोड़ने के बजाय अपना स्कूल वो जारी रखती है, ये जब हमें पता चला. Single mothers receive vocational training so they can take care of their children. तो जो अकेली जो महिलाएं हैं वो अपनी जो बच्चों को आगे पढ़ाई दे सकती है. I know that our efforts have been indeed been very worthwhile. तो मुझे इस बात का पता है कि हमारे ये जो भी प्रयास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान रहे हैं. And this is the message of socially engaged Buddhism that Dr. Ambedkar had envisioned to transform the world for the better. और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी के दृष्टि में सोशली बुद्धि एंगेज बुद्धिज्म का ये जो उदाहरण था जो दुख मिटाने के लिए उससे ये संबंधित है. A compassionate world in which everyone has the opportunity for fulfillment and meaning irrespective of social status, caste or race. तो ये जो है हर व्यक्ति को इस समाज में जो स्वतंत्र रहे खुद क्या एक अस्तित्व रहे. The Buddha's last words are, all conditioned things are impermanent, strive on with diligence. So बुद्ध के जो अंतिम शब्द थे कि सभी जो संस्कारित जो चीजें है वो अनित्य है, आप अपने मार्ग पर रास्ते पर प्रयासों के साथ चलते रहे. What this means is that we have the capacity for liberation in our own hands and we must put forth our best effort to accomplish our liberation. To iska matlab kya hai, to iska artha yahi hai ki mukti ki jo sabhi raste hai wo hamari kshamta ke adhin hai aur humne hamari sabhi shakti aur prayas usme lagane chahiye. In the same way, Dr. Ambedkar's message is for us to join this battle for true freedom. तो जिसी तरह बाबा साहब ने किया है कि हमें अपनी मुक्ति के लिए इस लड़ाई को लड़ना है. Finally, I would like to thank Matrena for the translation. अंततः मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैत्रीनाथ को उनके अनुवाद के लिए. It is really a privilege for me to join this celebration and meet the Nagaloka team as well as Sangha members. So mere liye bahut hi sunahra aisa avsar ya mauka raha hai. To main Nagaloka ki jo puri team hai aur jo apne sangh ke jo sadasya hai un sabhi ko main dhanyawad dena chahungi. So thank you so much for your time and support and may all blessings be with you. Thank you. तो आपने जो समय दिया जो हमारे साथ रहे उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सिस्टर किम बेहान. इट इज वंडरफुल टू नो अबाउट योर लाइफ एंड द मिशन विच यू आर डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई जस्ट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड होप वन डे वी विल सी यू इन इंडिया. तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर केम बेहान. उनका काम बहुत ही सराहना लायक है लेकिन वो काम के लिए जो प्रेरणा उन्हें मिली है वो उस प्रेरणा का स्रोत है बुद्धिज्म और बुद्धिज्म का महान सिद्धांत करुणा जो विरासत उनके माता पिता ने ही उनको दी है और वहां से लेकर वो आज इस मुकाम तक कार्यरत है. और इसके पश्चात अपने जो अगले वक्ता है वो है आवर डियर फ्रेंड ब्रदर एलन सेनाओके जी. सो एलन इज अ सॉर्ट ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ नागलोका और नागलोका फैमिली मेंबर. सो इट इज ऑलवेज प्रिविलेज टू लिसन एलन एंड इट वाज ग्रेट दैट लास्ट वन वीक Alan and Jill both were teaching to our Dhamma Sekhya student.
He must be having only yesterday gap and today again we will be listening him. तो एलन जी के बारे में कुछ चंद परिचय के रूप में मैं कहूंगा. तो बर्कली स्थित जो जैन मोनेस्ट्री है उसके एलन जी वाइस अबॉट है कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि अभी अगले ही महीने में शायद उनका विधि होने वाला है. उसके वो मुख्य अबॉट के रूप में चुने गए हैं. एलन जी ने अपने जीवन में तकरीबन 10 साल तक बुद्धिस्ट फीस फेलोशिप के निदेशक के रूप में कार्य किया है. वो थिंक संघ के फाउंडर है. संगीत की उन्हें बहुत रुचि है. वो बहुत अच्छे बजाते हैं और गाते भी है. आप सभी को ताज्जुब होगा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो हिंदी गीत है वो एलन स्वयं अपने लफ्जों में गाकर लोगों के दिल में जो मित्रता का भाव है उसको जगाते हैं. आज हम देखते हैं कि एलन जी आईनेप के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य है और खास करके वो भारतीय जो बुद्धिस्ट समाज है बाबा साहब अंबेडकर प्रणीत उनकी जो कार्य प्रणाली है उनसे प्रभावित होकर नागलोक से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं. हर साल वो अपने खुद के खर्चे से नागलोक में पुणे में आकर विजिट करते हैं. कुछ अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं. कुछ युवा युवतियों को वो पढ़ाते भी हैं. तो ऐसे वो हमारे धम्म ही इज आवर एल्डर धम्म ब्रदर बिकॉज ही एंड लोकमित्र आर आई थिंक सिमिलर इन द एज. They both are close friend. They both are our inspiration. So with these few words of introduction, I would like to request Alan ji to give his discourse. And I will like to request Dhammachari Nagamitra to translate for Alan ji. Jai Bhim, everyone. Jai Bhim. And thanks so much for the introduction, Maitreyanath. Bahut bahut dhanyawad Maitreyanath mere parichay ke liye. And thank you Nagamitra for translating. Dhanyawad Nagamitra anuvad karne ke liye. He and I have been working very closely for all last week. Nagamitra aur main pichle saptah bahut hi kareeb se ek dusre ke sath kaam kiya hai. So he's familiar with the rhythms of my speech. तो मेरे बोलचाल से वो बहुत परिचित है. I'm honored to be here, you know, following Maitravir and Bhikkhu Bodhi and Vilnasara and Kim Bihan, all of whom I take as friends and fellow Dharma travelers. मैं ये जिन्हों जो भी नाम उन्होंने लिए उन सभी के लोगों के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And I'm pleased to see many of the Dhammasekhya students here tonight, today. और साथ ही साथ बहुत सारे Dhammasekhya के जो प्रशिक्षणार्थी है उनको भी देखकर बड़ी खुशी हो रही. So since we are celebrating Sangha Day, my talk, which will not be too long, is going to be on the Sangha Jewel. तो मेरा प्रवचन जिस तरीके से बाकी लोग भी हैं कह रहे हैं कह चुके हैं तो मैं ज्यादा लंबा नहीं दूंगा, तो संघ रत्न पर अपने प्रवचन को प्रस्तुत करूंगा. You know, for 50 years I or more than 50 years I have been an activist and I have also been looking for the community, looking for home. तो लगभग 50 सालों से या उससे अधिक मैं इस कार्य में सक्रिय हूँ और ये जो एक सामाजिक व्यवस्था है उसके बहुत करीब हूँ. And for me, friendships are very precious. और इसलिए मुझे ये जो परिस्थिति है बहुत मूल्यवान है. थोड़ा मत काटो. Just this afternoon, one of my friends from high school came by just to visit. मेरे
उस जमाने का मित्र जो हाई स्कूल का था वो आज यहाँ आया. And I realized that we have known each other. We've been close friends for 58 years. और लगभग मैं 58 वर्षों से एक दूसरे को हम जानते हैं. But through my years as an activist and in other communities, I settled into a life in directly in Sangha. तो एक अच्छे कार्यकर्ते के रूप में काम करते हुए और इस सामाजिक काम में सक्रिय होने के बावजूद मैं इस संघ में कहीं ना कहीं एक स्थिर हुआ हुआ महसूस भी किया. And I have lived in Sangha at Berkeley Zen Center for 36 years. और इस बर्कली बुद्धिस्ट का केंद्र में लगभग 36 वर्षों से मैं रह रहा हूँ. Now this morning I was looking at the Buddha and his Dhamma and reviewing what Baba Saheb Ambedkar had to say about Sangha. और इस सुबह मैं लगभग कुछ समय बिता रहा था बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ के साथ जो परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा था. And I think what he wrote in the 1950s reflected what he saw around him that was defined as Sangha. और वो उस लगभग 56 के दरमियान ये ग्रंथ लिखे और समय के समुदाय में उन्होंने संघ की जो परिस्थिति है उसको उन्होंने अनुभव किया. This is particularly true in South Asia. और ये निश्चित रूप से जो दक्षिण एशिया है उसमें उन्होंने अनुभव किया. The language is interesting. और भाषा बहुत मजेदार है. In book 5 of part 1 of Buddha and his Dhamma, Baba Saheb Ambedkar says, the followers of the Blessed Lord were divided into two classes, bhikkhus and lay followers called upasakas. और बुद्ध धम्म के पांचवे प्रकरण में वो लिखते हैं कि बुद्ध का जो संघ है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक है भिक्षुओं में और दूसरा उपासकों में. I find it very interesting that he used the word classes. और मुझे बहुत एक अचरज हुआ जब उन्होंने दो वर्ग के रूप में वो शब्द लिखे. In the next verse he says the bhikkhus were organized into a sangha while the upasakas were not. और वो दूसरे इसमें लिखते हैं कि जो भिक्षु थे वो बहुत अच्छे से संगठित थे पर उपासक वैसे नहीं थे. Then, as Bhikkhu Bodhi pointed out, Baba Saheb Ambedkar emphasized the radical equality that was expressed about the Sangha in the Pali Suttas. भिक्षु बोधि जी ने जिस तरीके से वो बात बोली कि भिक्षु गण जो थे बहुत ही जबरदस्त तरीके से संगठित रहते थे. The Sangha was open to all and there was no bar of caste. संघ सभी के लिए खुला था, वहाँ किसी भी जाति को कोई स्थान नहीं था. There was no bar of sex or no bar of status. ना वहाँ लिंग का ना किसी स्थान का कोई महत्व था. Inside the Sangha, all were equal. संघ के अंतर्गत सब कुछ समान था. At the same time, if you read on and you look at that speaks of the relationship between the ordained monks and nuns and lay people, he has a critique. और आगे अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भिक्षु भिक्षुनी उपासक इन बातों पर वो थोड़ी सी टीका करते हैं. He says that the lay followers and the sangha, the formal sangha, were bound up
by tithes of almsgiving. और वहाँ वो बताते हैं कि जो उपासक है वो एक तरीके से वो उनको भिक्षा दान देने के लिए एक तरीके से बंधे थे. Then he says something very interesting. और फिर कुछ बात बड़ी रोचक रूप से वो बताते हैं. Yes, but there was no separate Dhamma Diksha for those who wanted to be initiated into the Dhamma but did not wish to become members of the Sangha. मगर वहाँ दूसरी कोई दीक्षा विधि का समारंभ नहीं था अगर कोई उस तरीके से उस संघ में शामिल होना चाहते हैं. One of the consequences of joining the Sangha was to go to leave home into homelessness. एक ही उसके में जो उसके परिवर्तन दिखता था वो ये था कि गृहस्थी को गृह त्याग करना है. Baba Sahib says this was a grave omission. It was one of the causes which ultimately led to the downfall of Buddhism in India. और बाबा साहब कहते हैं कि वही एक बहुत थोड़ी सी अच्छी बात नहीं थी और उसी वजह से बुद्ध धर्म का थोड़ा विनाश हुआ. For this absence of the initiation ceremony left lay people free to wander from one religion to another. और यही इस तरीके से दीक्षा विधि नहीं होने से उपासक जो है वो अन्य धर्मों के में भी प्रवेश करने के लिए खुले थे. And I would say that often what one sees as lay practice is taking care of the monks and nuns. और ये बहुत ही एक बात यहाँ देखने को मिलती है कि जो उपासक थे वो भिक्षु और भिक्षुणी का ख्याल भी रखते थे. But from what we see on this call, from what we see around us, our vision of Sangha has continued to evolve. और इसी वजह से हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द भी कि संघ उसी से ही निर्माण हो रहा है. 32 years ago, I received what is called a monk's ordination, full ordination in the Japanese Soto Zen Buddhist tradition. 32 वर्षों पहले मैंने इसी तरीके से जो जापानी संघ है सोतो उसमें दीक्षित हुआ. That involved shaving one's head, wearing robes, and keeping the 16 bodhisattva precepts. उसका मतलब है कि अपना सर मुंडवाना, कुछ चीवर अपने आप में लेना और 64 बोधिसत्वों की प्रतिज्ञाओं को आचरण करना. So these precepts are much the same as what many of you receive in the Triratna tradition. ये जो 64 शील जो है वो उसी तरीके से एक दूसरे से मिलती है जैसे आप त्रिरत्न में दस शीलों को धारण करते हो. And my own responsibilities are much the same as an order member of Triratna. तो जो त्रिरत्न में धर्मचारी है मुझे लगता है कि उसी तरीके से मैं वो समान रूप में अपने आप को देखता हूँ. That is the responsibility of living an ethical life. इसका मतलब है कि मैं नैतिक जीवन को जीऊं. Of supporting the three treasures. ये तीन रत्नों के द्वारा मैं अपने आप को कुछ ऐसे जबरदस्त उसका हिस्सा मानूं. And sustaining the teachings and community so that Buddha's way can flourish. तो और फिर इसी शिक्षा को मैं अपने आप में आचरण करूं और फिर समाज में उस आचरण का महत्व बताऊं. So to my way of seeing things, what is evolving is a new kind of sangha.
तो मेरे दृष्टि से मैं जब देखता हूँ तो यही एक तरीके से नए संघ की निर्मिति को दर्शाता है. And this kind of sangha that includes lay women and lay men as well as monks and nuns is one that meets the needs expressed by Baba Saheb Ambedkar. और ये जब होता है तब वहाँ जो उपासक है, उपासिकाएं हैं, भिक्षु है, भिक्षुनी है, तो ये नया संघ जो बाबा साहब की दृष्टि में था, उसकी निर्मिति होते हुए दिखता है. In some of the living traditions of Buddhism today, sangha means the community of all Buddhist practitioners. और आज के नजरिए से ये देखा गया है कि वो सारे लोग जो बुद्ध धर्म का आचरण करते हैं, वो एक संघ के रूप में रहते हैं. And certainly that's the way we think of it in my Zen tradition. और हमारे जो जैन परंपरा में हम उसी तरीके से संघ को देखते हैं. There are differences in responsibilities between ordained people and lay people. तो यहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारियां अलग हो जाती है जो दीक्षित लोग होते हैं और जो दीक्षित नहीं होते उनमें. But to go back to what we find in the Buddha and his Dhamma, those are not differences of classes. मगर बुद्ध धम्म के जिस तरीके से बताया है उस तरीके से कोई वर्ग भेद नहीं है. They're just differences in responsibilities. ये केवल जिम्मेदारियों की बातों को ही अलग बताते हैं. But all of us are committed to and have responsibility to sustain the three treasures, to follow the Eightfold Path, and we have responsibility to take up the Bodhisattva vow to save all sentient beings. मगर ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम ये शीलों का आचरण करें और अपने इस समाज में जागृति का निर्माण करें और तीन रत्नों को सभी मिलकर समर्पित करें और ये बोधिसत्वों की जो प्रतिज्ञाएं लेकर जो सभी मानव जाति है उन सभी का ख्याल रखें. But even that broad definition of sangha, we have to look beyond that. We have to look beyond Buddha. तो ये बातें होने के बावजूद भी हमको उसके भी ऊपर उठ के बुद्ध तत्वों को देखना चाहिए. The vows we take are not just to save Buddhists. ये केवल जो हम प्रतिज्ञाएं लेते हैं केवल बौद्धों को सुरक्षित करने के लिए नहीं है. So when you see the work that Kim was speaking of in Buddhist Global Relief, they are not just working with Buddhists. और जैसे कि किम बयान जो उन्होंने बताया है कि वो उनका जो काम है केवल बौद्धों के लिए नहीं है. Some of the work that I do with my non-profit Clearview Project, some of it is with Buddhists. तो उनके जो काम है कुछ जो बौद्ध है उनके लिए नहीं है. But I think a third of the donations that we made this year went to Burmese Muslims. मगर हमारा इस वर्ष का अधिकतर जो हमारा दान है वो मुस्लिमों के लिए गया है. In exile in Bangladesh. और जो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है उसमें गया. And another large portion went to migrants and immigrants and refugees on the U.S. border. और उसमें का कई हिस्सा जो प्रस्थापित होने वाले जो लोग हैं अमेरिका की तरफ उनके लिए गए. Our responsibility is to save all sentient beings. हमारी सभी जो जीव है उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है. And if we believe in, to me, believing in the power of Sangha means not turning away from anyone in need.
और ये कहीं ना कहीं हमारी जो भी हम काम करते हैं तो जिनको जो जो चीजों की जरूरत है उससे पीछे नहीं हटना. And we see this particularly as Vimala Sara spoke, we see this in the dynamics of racial oppression in the United States, caste oppression in India. तो ये उसी तरीके से जैसे कि विमल सारा ने बात करी कि वहां जी इस तरीके से वर्ण भेद को लेकर बातें हो रही या भारत में जाति व्यवस्था को जाति व्यवस्था की वजह से जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर हुआ. These great and distorted and oppressive social forces cause us to reevaluate our own work and how we live our lives. ये जो एक उत्पीड़न है जो दबाव है उससे हमारे सामने सवाल खड़े होते हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिएं. The great African American liberator Dr. Martin Luther King spoke about the beloved community. Martin Luther King, जो बहुत ही बड़े क्रांतिकारक थे, उन्होंने उन परिस्थिति में कुछ कहा है. To me, the beloved community that he speaks of is Sangha, and Sangha is the beloved community. और उन्होंने यही कहा कि जो ये हम जो एक दूसरे के साथ में जो मैत्री करते हैं एक दूसरे को जो जिनको पूरी तरह से नकारा जाता है उनके साथ में जब हम प्यार करते हैं तो वही संघ है. This is a community which recognizes no barriers of gender, caste, race, or any kinds of distinctions. और ये वो समुदाय होता है जहाँ किसी भी तरीके से लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद इसका कोई भी नवलेश उसमें नहीं होता है. It doesn't mean that everyone thinks the same way. इसका मतलब ये है कि क्या सभी लोग एक सा विचार करते हैं? Or that everyone has the same culture. क्या इसका मतलब कि सभी की एक ही सभ्यता है? But it does mean that we recognize that we are in relationship to each other. इसका मतलब ये बताता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ संबंधित हैं. I think this is one of the things, if you live and work in Sangha, you begin to see the power of this. और जब आप इस तरीके से संघ में रहते हैं, तो उसकी जो एक ऊर्जा है, उसको आप महसूस कर सकते हैं. Being in Sangha doesn't mean you like everybody. संघ में काम करने का मतलब ये नहीं कि आप सभी एक दूसरे को पसंद करते हैं. It doesn't mean you agree with everybody. इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत हैं. It doesn't mean there are no conflicts. इसका मतलब ये नहीं कि आपसी कोई मतभेद नहीं है. But it does mean that you've made agreements that you're going to solve those conflicts or approach those conflicts without violence. मगर आप इस बात को पूरी तरह से सहमत होते हैं कि जो भी विवाद है उसको सुलझाएंगे पर आप किसी भी तरीके से हिंसात्मक रूप का उपयोग नहीं करेंगे. Because we are in relationship to each other. क्योंकि हम वहां एक दूसरे से बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं. Dr. King spoke of the solidarity of the human family. जो मार्टिन लूथर किंग है उन्होंने जो मानवता के संबंध की मजबूती के बारे में कहा. He said this wonderful expression, we are tied together in a single garment of destiny, caught in an inescapable network of mutuality. तो उन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक ऐसे धागे में बंधे हुए हैं जिसको हम एक तरीके से बड़े मजबूती से उसका हिस्सा बने हुए हैं. And he pointed out that we are always in debt to those who have come before us. और हम हरदम ही इस तरीके से हमारे सामने उदाहरण रहता है. We are in debt to the generations that come before us, and we
must take care of our planet, take care of our societies, take care of our nations for the generations that will follow us. और उस तरीके के एक किसी के कृति के वजह से हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका कर्जा इस कायनात के इस निसर्ग को वातावरण को और यहाँ की परिस्थिति का हम बहुत अच्छे से देखभाल करें. So this all sounds very nice, and I just want to acknowledge that this is very hard work. तो ये बोलने में बहुत आसान लगता है, पर ये वाकई में बहुत मुश्किल ऐसा कार्य है. For whatever reasons there may be, getting along with each other is not so easy. हम एक दूसरे के साथ में बने रहना ये बहुत मुश्किल बात होती है. We don't, I'm living in community, I know, I don't necessarily like everybody that I have. मैं जिस समाज में रहता हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं सभी को पसंद करूँ. But I do love them. पर मैं उनको उनसे मैत्री करता हूँ. And when there's a difference and we haven't resolved it, if I work side by side with that person in the kitchen, cooking or washing dishes or in the garden, then I realize that we are related. और जब उस आदमी के साथ में मेरे मतभेद होते हैं, मगर मैं उसके साथ में कभी किचन में, कभी गार्डन में जब काम करता हूँ, तो उस काम करते हुए वो एहसास होता कि वैसे तो हम एक दूसरे के साथ में बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं. And if we love, if people who don't get along both love Buddha, or they both love Jesus, or they both love Muhammad, they have a basis, a very, very deep basis to connect. और अगर मान लो कि वो अपने एक दूसरे के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं भी करते हैं, मगर वो जुड़े हैं बुद्ध से, वो जुड़े हैं जीसस से, वो जुड़े हैं अपने मोहम्मद से, तो उस माध्यम से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. And this is in line with something that the great Vietnamese Buddhist teacher Thich Nhat Hanh spoke of more than 30 years ago. और ये वियतनाम के जो थिक नॉट नान है, उन्होंने लगभग 30 वर्ष पहले ये बातें बोली थी. Answering a question about the future of Buddhism, he said this. बुद्ध धम्म के भविष्य के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था. The next Buddha may take the form of a community. हो सकता है कि बुद्ध फिर से इस समाज में आए. A community practicing understanding and loving kindness. और वो जो समाज हो, एक दूसरे से सहमत हो, प्यार करे, मैत्री करे. A community practicing mindful living. और वो जो समाज है वो स्मृति से जीवन जिए. And this kind of practice can be carried out as a group, as a city, or as a nation. और इस तरीके का अगर आचरण करते हैं तो वो एक शहर के रूप में, एक देश के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं. So these are my thoughts on Sangha Day. I feel so grateful to live in a Sangha, to have that opportunity. तो ये मेरे अपने विचार हैं संघ दिन के अवसर पर, और ऐसे ही मतलब संघ में रहते हुए मैं महसूस करता हूँ. And even in this really strange digital reality that we are stuck in for the moment, it still feels like Sangha. और ये बड़ी अद्भुत और विचित्र ऐसी परिस्थिति है कि हम ये डिजिटल माध्यमों से हम कहीं मतलब एक जगह रुके हुए और महसूस करते कि हम वैसे ही रुक कर भी एक संघ का एहसास होता है.
I feel connected to the people who are in my immediate community here at Berkeley Zen Center. So I बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ पाता हूँ मेरे इस बर्कले बुद्धिस्ट केंद्र से. And I feel committed. I feel connected to so many of you who are literally halfway around the world. और आप सभी लोगों से जो लगभग पूरी दुनिया के कुछ अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे. So with that, I will say thank you and good night from California and Jai Bhim. और यहाँ मैं रुकना चाहूँगा कैलिफोर्निया से और सबको शुभ रात्रि दूंगा और जय भीम करूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद एलन जी और नागमित्र जी. बाबा साहब अंबेडकर लिखित जो बुद्धा और उनका धम्म और उसमें जो बाबा साहब की जो संघ की संकल्पना थी और उस संकल्पना को त्रिरत्न बौद्ध महासंघ ने किस तरह से अपनाया है और यह जो संघ दिखता है उससे लेकर उन्होंने जो त्रिरत्न ये जो संघ का जो तीसरा रत्न है संघ रत्न इसके बारे में अपने अंदाज में हमें बहुत सारे उदाहरण देकर मार्टिन ल्यूथर किंग थिक नॉट हांग और अन्य समझाने की कोशिश की है तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करता हूँ सभी अपने श्रोताओं को. अभी हमारे पास हमारी एक वक्ता है मंजुला बेन और उसके पश्चात धम्मचारी लोकमित्र जी इनका अध्यक्षीय भाषण रहेगा. तो अभी तक आपने जिस तरह से बड़े शांति से सहयोग दिया है तो और थोड़े समय के लिए ऐसी ही शांति बरकरार रखिए. तो मंजुला बेन जो है हमारी अगली वक्ता वो फिलहाल अहमदाबाद से है और वो बहुत ही मशहूर ऐसी ह्यूमन राइट कार्यकर्ता है और खास करके महिलाओं के आंदोलन में भी उनका बहुत ऐसा जोरदार योगदान रहा है. अहमदाबाद स्थित जो नवसर्जन नाम की जो संस्था है जो लगता है भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी संस्था है और उस संस्था की हमारी बहन जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी है और अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के समय के दरमियान उन्होंने नवसर्जन को अपने हिसाब से एक अगली ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है. मंजुला बेन जो है उन्होंने NCDHR में भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और वो काम करते हुए ही उन्होंने US को वो डेलीगेशन लेके गई थी. उसके अलावा ब्रिटेन है, जिनेवा है, अन्य जगह पर उन्होंने बहुत सारी अपने डेलीगेशन का नेतृत्व किया है. वो इंटरनेशनल दलित सॉलिडरिटी की भी मेंबर रही है, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया. और वैसे देखा जाए तो नवसर्जन में उनके जीवन का बहुत भारी जो हिस्सा है वो उन्होंने बिताया है. वहाँ पर जो लेबर्स है, लेबर के लिए, महिलाओं के लिए जो घरेलू अत्याचार है उसके यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया है. गुजरात में जो एक छात्र के ऊपर जो बलात्कार का मामला हुआ था उसके बारे में मंजुला बेन जो है वो बहुत ही वहाँ संघर्ष उन्होंने किया और अंत तक उस हाई कोर्ट के तहत जिन दरिंदों ने वो अत्याचार किया था उन लोगों को लाइफ प्रिजनमेंट मिलाने तक उन्होंने कार्य किया है. अभी भी मंजुला बेन जो है वो वाइज एक्ट ऑफ यूथ विजनिंग एंड एंगेजमेंट इस संस्था का उन्होंने निर्माण किया है
उसके तहत कार्यरत है. बहुत सारी जो भारतीय एनजीओज है उनके साथ अपना जो अनुभव है, अपना जो विजन है, महिलाओं के साथ काम करने का जो तजुर्बा है, उससे मंजुला बेन हमेशा जुड़ी हुई है. खास करके उन्होंने अपने जीवन में ये जो कार्य किया है उस कार्य से उनको कुछ अवार्ड से भी नवाजा गया है. जैसे कि 2011 में उसको उनको वुमन पीस मेकर अवार्ड मिला है, और जो अवार्ड सैन डिएगो यूनिवर्सिटी यूएस से इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड जस्टिस की तरफ से दिया गया है. 2015 में उनको फेमिना वुमन अवार्ड मिला है, सोशल इम्पैक्ट अवार्ड. और 2017 में उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जीजाबाई वुमन अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया है. उनके परिचय के रूप में मैं बहुत भी और कुछ कह सकता हूँ. और उनकी जो नागलोक मानुष की परिवार से एक अलग पहचान है, वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है. और मंजुला बहन, ये जो नागलोक मानुष की जम्बूद्वीप ये जो परिवार है, इससे मानुष की मंजुला बहन एक ट्रस्टी है, विश्वस्त है. तो इतना परिचय देने के बाद मैं मंजुला बहन को अनुरोध करता हूँ कि इस संघड़े के अवसर पर वो अपने जो कुछ विचार है वो दर्शकों के सामने, हमारे सामने रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैत्रीनाथ जी. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे सभी को शुभेच्छाएं देती हूँ. I congratulate everybody on the eve of Kartik Purnima Day. As Maitana ji was speaking about my own journey, wo jis tarah se mere kaam ke bare mein bata rahe the, I just felt that how interesting somebody's life can become and how difficult also somebody's life can become due to activism. तो एक चीज है कि किस तरह से आपकी जिंदगी आसान बन सकती है और कितनी मुश्किल हो सकती है, जटिल हो सकती है आपके जो आप काम कर रहे हैं उससे. सो बीइंग फ्रॉम द कम्युनिटी एंड ट्रांसफॉर्मिंग माय सेल्फ, इट्स रियली इट्स अ डिफिकल्ट पाथ व्हिच वन फॉलोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर एंड बुद्धा. तो एक अपने जीवन काल में जब एक एक्टिविस्ट के दौरान जब हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो वो एक बहुत ही संघर्षमय पाथ है, एक रास्ता है जिस पे हम सब चलने की कोशिश करते हैं. सो एज आई वाज लिसनिंग टू द टॉक्स ऑफ मैत्रीवीर, विमल सारा, बिकू बोधी, किम एंड एलन, आई रियली फेल्ट वेरी मेडिटेटिव एट दैट टाइम. मैं अपने आप को मैं एक ध्यान की मुद्रा में चली गई थी. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर एन एक्टिविस्ट. वो बहुत जरूरी है जब आप एक एक्टिविस्ट होते हैं, तो ये सारी चीजों के साथ अगर आप ध्यान करें तो यू फील क्वाइट एनलाइटेंड एंड ऑल्सो लाइक यू रिलीव योर सेल्फ. आई बिलीव दैट व्हेन यू वर्क एज एन एक्टिविस्ट और एज समबडी हू इज पार्ट ऑफ अ संघ, योर माइंड एंड हार्ट शुड बी टूगेदर. जो जब हम एक संघ के साथ जुड़ते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों को साथ में जोड़ के हमें काम करना चाहिए. मैनी टाइम्स वेन वी आर प्रैक्टिसिंग एज एन एक्टिविस्ट, वी समटाइम फॉरगेट दैट वी ऑल्सो हैव इमोशंस और वी ऑल्सो हैव ह्यूमैनिटी. कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम एक एक्टिविस्ट के मोड में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे में एक मानवता होनी चाहिए या हमारे में भावनाएं होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इनटू माय ओन जर्नी एज अ यंग वुमन 28 इयर्स बैक, 28 साल पहले की जो मेरी यात्रा थी. एंड हाउ आई फेस दोज चैलेंजेस, जिस तरह से मैंने खुद का संघर्ष किया ऑफ liberating myself, trying to liberate myself, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की है. एंड द फर्स्ट discrimination or the first challenge one face is of gender as a woman. तो सबसे पहला जो सबसे जो एक अनुभव आता है वो है एक औरत या एक लड़की होने का. And the second came is the caste, where I come from, where my parents come from, कहाँ से मेरी जाति है, उससे मेरा जो भेदभाव है वो एक देखा मैंने. My parents are from North India and they are from Uttar Pradesh. As you know, Uttar Pradesh is at the moment
is being highlighted a lot due to that incident of Hathras. और मेरे parents उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर जो घटना हुई है Hathras की, उसके पास ही मेरे पापा मम्मी का गांव है. I visited Hathras just few days back. Like I came back on 23rd. I visited that village. It's a very small village. मैं उस गांव में गई. छोटा सा गांव है. And I couldn't believe that this is the form of untouchability which is still going on there. वहाँ उस तरह के छुआछूत को मैंने देखा जो मैंने सोचा शायद अब खत्म हो गया है. You know, it is a very small village of 500 people. बहुत छोटा सा गांव है, 500 गांव. Everybody is talking about that violence which happened. But nobody talks about why that violence happened and what made that violence happen. तो वो समझना भी बहुत जरूरी कि हिंसा क्यों हुई, हिंसा का प्रकार के ऊपर सबने बात की, पर हिंसा क्यों हुई वो भी एक समझने की जरूरत. Out of the 66 houses, there are just 4 houses of the Valmiki community, the people who clean and sweep. 66 घरों में से खाली 4 घर हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं जो सफाई का काम करते हैं. And the girl who died, who was raped, was from that community. The point is, you see, वहाँ पर जो एक one thing I it just shocked me and I'm still going through that that experience. वो अनुभव जो मुझे मिला that when a person from this community goes to the village shop to buy something, they when they give the money, at one time it was happening even in Gujarat. They sprinkle water on that money because they want to purify it. तो अभी भी वहाँ पर एक स्थिति है कि जब कोई परिवार, कोई दलित जब वहाँ जाता है गांव के दुकान पे कुछ चीज खरीदने के लिए, तो जब वो पैसा देता है तो उसके ऊपर पानी छांटते. Now I thought that this must have happened 30 years back, but it's still going on. And the other experience was that how difficult it is for that family to survive there. वहाँ पे जो परिवार है वो किस तरह से वहाँ रह रहा है, because they have lost everything, they have lost the livelihood, they can't go to the farm. वो अपना सब कुछ छोड़ रहे. There's a CRPF battalion which is just controlling the entire place. वहाँ पर एक CRPF का पूरा battalion है जो पूरा वहाँ रहता है. So they have CCTV cameras, right? They have a metal detector, and they are living a life like that. वो कैसे जीवन जिएंगे कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, मेटल डिटेक्टर लगा दिए, आप वहां रह रहे हो. एंड हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे रहेंगे वहां पर. फॉर मी दिस इज अ बिग क्वेश्चन. वी टॉकिंग अबाउट जस्टिस, हम न्याय की बात करते हैं, बट न्याय एट दिस लेवल वेयर डू दे गेट जस्टिस. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल मैकेनिज्म. हम कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वी टॉक एंड इट इज इंपॉर्टेंट, बट आर दे सेफ? They are not safe. And I think what they are going through is the trauma. I think nobody is there to heal them. जो वहां पर उनके साथ जो पीड़ा से जो गुजर रहे हैं, वो पीड़ा को कोई समझ नहीं पा रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं जाता है जो उनके दर्द को कम कर पाए. And I think my visiting them really, I felt that there was a bonding which was created between me and the family. वो एक प्रकार का जुड़ाव हुआ उस परिवार के साथ. एंड आई कुड सी द टीयर्स ऑफ द फादर हु मस्ट हैव नॉट क्राइड एनी टाइम बिकॉज मैन आर नॉट अलाउड टू क्राई. तो पिता के आंसू देखे, क्योंकि पुरुषों को कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते. एंड आई थिंक दैट वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू पुट इट हेयर, एंड दैट इज वॉट इज कम्पैशन. मैं ये इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि ये एक दया है, एक दिस इज व्हाट इट बॉन्ड्स अस विद द कम्युनिटी. यही चीज है जो हमें कम्युनिटी के साथ जोड़ती है. एंड दैट्स व्हाट बुद्धा एंड डॉक्टर अंबेडकर टॉट अस. एंड आई थिंक व्हाट आई वुड से इज दैट एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट पंचशील, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्रैक्टिस एन एक्टिविस्ट और एज अ ले पर्सन पंचशील को किस तरह से हम उसको उसका पालन करें और उसके उस पथ पर जाए. वी ऑल नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन अराउंड अस. अभी क्या सिचुएशन है हम सब जानते हैं. आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग COVID-19. मैं बहुत नजदीक से उनके साथ काम कर रही हूँ थ्रू अवर हेल्पलाइन. हमारी जो हेल्पलाइन है, एंड वी डोंट नो दैट हेल्पलाइन हु कॉल्स अस, लाइक विच रिलीजन, विच कास्ट, बट वी नो दैट दैट पर्सन नीड्स अस. तो जो हेल्पलाइन है उसमें कौन हमें फोन करता है, कौन सी कास्ट है, कौन से धर्म का है, हम वो नहीं जानना चाहते. हमें उनको मदद करनी है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज कंपैशन, एंड दैट्स व्हाट इज प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म.
और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात रखना चाहती हूँ कि जब लोग आपसे बात करते हैं मेनी टाइम्स वी इग्नोर द फैक्ट दैट सम दैट पर्सन इज रियली वल्नरेबल एंड रियली सफरिंग. कितनी बार ऐसा होता है कि व्हेन समबडी कॉल्स अस जो हमें बोलता है कि मुझे कुछ पीड़ा है और आई एम सफरिंग, वो व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी. वी हैव टू लिसन टू दैट पर्सन. एंड इन दिस डिजिटल वर्ल्ड वी आर जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच ऑफ अस, लाइक फिजिकली वी आर अवे बट वी आर ऑल्सो नॉट क्लोज टू एनी वन इवन इन टर्म्स ऑफ अवर ओन शेयरिंग ऑफ अवर ओन इमोशंस. तो जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने के लिए भी हम अब एक मौका नहीं निकालते हैं या हम बात नहीं करना चाहते हैं. आई थिंक कोविड 19 पैंडेमिक हैज मेड अस रियलाइज इट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी पार्ट ऑफ अ संगा. कोविड 19 ने हमें एक मौका दिया है एक अनुभव करने का कि संगा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. हाउ वाई ह्यूमैनिटी इज सो इम्पोर्टेंट टू अस, क्यों मानवता हमारे लिए जरूरी है. Why it is important to help those who are suffering? क्यों जरूरी है कि हम जो लोग सफर कर रहे हैं, जो शोषित हैं, उनको हम मदद करें. और I would say that how can we help us and help others? Because when we help ourselves, we are helping others. जब हम अपने आप को मदद करेंगे तो हम दूसरों को मदद करेंगे. And the help is not materialistic, but it is more of giving somebody else the help. I'm talking about, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने लिए. I think we have to be less materialistic and we have to give more material, more support. And what I was listening to Kim, I was listening to Alan, I think that was fantastic. And that's what we want to do in our life, where we want to help as many people who are suffering, who are deprived of their rights and who don't have access to small things, amenities. किसी के पास कुछ नहीं है और वो व्यक्ति इतनी दुखी है तो हम क्या हमारी तरफ से. But that's what Dr. Ambedkar said about payback to society, कि हम अपना contribution कैसे कर सके. I do know now that there are several women, those who are widows with whom I am connecting. There's one woman who has lost her husband and her son due to caste violence in Gujarat. And she is in a very bad state of mind. वो बहुत दुखी है वो औरत जिसने अपने पति और बेटे को का खून हो गया है. How do we help her? That's what I was thinking. And the first step I'm going to do is I'm going to give her a sewing machine because she knows how to stitch. And that is a fun material object, but that I want to start from there. I want to heal her. मुझे उसको उसकी जो जरूरतें हैं उसको समझना है. सिलाई मशीन हम देंगे भी उसको, उसको सिलाई काम आता है. और अगर उसके जो भी हीलिंग है वो उन्हें करना पड़ेगा बिकॉज शी इज बीन सफरिंग फॉर ऑलमोस्ट वन ईयर एंड नोबडी अंडरस्टैंड दैट. वो एक साल से इस पीड़ा से गुजर रही है तो कोई समझ नहीं पा रहा है. और कोविड 19 के समय तो और डिफिकल्ट हो गया. इट्स मोर डिफिकल्ट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. एक और औरत है. देयर इज अनदर लेडी हुज डॉटर वाज रेप्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द वाटर टैंक ऑन 5 months बैक. चार 5 महीने पहले उस लड़की को रेप करके उसको पानी की टंकी से फेंक दिया गया. शी इज जस्ट 16. हर बैक इज ब्रोकन. हर बोथ ऑफ हर लिम्स आर फ्रैक्चर्ड. Yeah, she can't. The doctor says she can't move. I still have the hope that I will try that to get her operated in one of the best hospital in Gujarat, Apollo Hospital. I will try my best to see that this young girl still she can move a bit. तो वो लड़की है. उसको हम मैं कोशिश करूँगी कि to help her to get उसका operation करवा के कि कैसे वो थोड़ा भी चल पाए क्योंकि उसकी कमर टूटी है. उसके दोनों पैर टूट गए हैं. So this is something I think we all know that this world is not becoming a safer place. It's becoming more of and more difficult for people like us. ये दुनिया है बहुत difficult, बहुत संघर्ष में हो गई है और हमारे जैसे लोग के लिए और difficult हो गई है. Because there are very few people who practice panchsheel. There are very few people who want to walk on the path of Buddha. And वो भी एक चीज है कि कम लोग हैं जो बाबा साहब और डॉक्टर और बुद्धा की बात से आगे बढ़ते हैं या उनके उनके जीवन को अनुसर कर रहे हैं. एंड देयर इज द चैलेंज. वहां पे एक चुनौती है एंड दैट चैलेंज वी हैव टू एक्सेप्ट एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन इट. वो चैलेंज वो जो चुनौती है उसको स्वीकार करके उससे आगे बढ़ के हम कैसे काम कर सके. एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज हाउ डू वी दोज हु आर हु बिलीव इन अ प्रबुद्ध सोसाइटी हु बिलीव इन एन एनलाइटन्ड सोसाइटी come together. And that is what is Sangha.
और हम मैं चाहती हूँ कि जो लोग एक जैसी सोच वाले हैं और जो चाहते हैं कि एक 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 प्रबुद्ध भारत बने, वो एक साथ जुड़े, वो एक और वो एक संघ बनेगा. एंड आई थिंक दैट इज पॉसिबल. और बिकॉज वी हैव द लाइफ एंड मिशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर टू फॉलो, एंड वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ बुद्धा. हमें बाबा साहब का जो संघर्ष है, उनका जीवन है, वो एक आदर्श है, और बुद्ध भगवान का जो जीवन है, उसके पथ पे हमें चलना है. So I would not want to spend more time, but I just want to say is how blessed I feel that I embraced Buddhism in Nagloka 4 years back. It's a 4 years relationship with Nagloka, but the relationship with Buddha was long time back. So मैं अपने आप को बहुत अपने आप को blessed मानती हूँ कि मैंने Nagloka में धर्मांतर किया चार साल पहले. बट मैं बुद्धा को तो बहुत टाइम से फॉलो करती थी. और आई थिंक दैट वी नीड टू जस्ट हैव बिल्ड अप अवर ओन स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस एंड फाइंड द बेस्ट वे टू हेल्प दोज हु आर सफरिंग. तो हमें इस तरह से काम करना है कि रणनीतियों को और अपने जो अभिगम है उनको साथ में रख के एक ऐसी ऐसी परिस्थिति के साथ जुड़ना है कि जिसमें हम जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको हम मदद कर पाए. जय भीम, नमो बुद्धाय. बहुत बहुत धन्यवाद मंजुला बहन, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसी बातें बनाकर एक तरह से भावना से काम करते संगे जो दिया आपके लिए बहुत. हमारे जो अध्यक्ष है धम्मचारी लोकमित्र जी, एक we've lost you. आवाज ब्रेक हो रहा है सर. या वी लॉस्ट. Could I just speak with Nagamitra translating, if Nagamitra is there? So Lokmitra ji, Triratna Bauddha Mahasangha ke ek bahut jeshtha dhammachari hai. Urgen Sangharakshit ji ke suchana par wo Bharat mein aaye, aur Bharat mein unhone Triratna Bauddha Mahasangha ki jo nirmiti ki sthapna ki, जिसके फल हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के केंद्र है. और उन्होंने जो चार चांद लगाए वो नागलोक की निर्मिति करके, क्योंकि नागलोक की निर्मिति यानी पूरे वर्ल्ड के लिए और अंबेडकरी अन्य संगठनों के लिए एक ऐसा उन्होंने द्वार खुला किया है कि जिससे बाबा साहब के दृष्टि में जो प्रबुद्ध भारत है वो बनाना एक आसान हो गया है. दूसरी महत्वपूर्ण बात है लोकमित्र जी, आज के परिस्थिति में जो ताइवान, कोरिया, जापान इस तरह के जो देश है, इसलिए बाबा साहब के धम्म क्रांति के वो दूत के रूप में कार्यरत करते हैं. और मैं ये कहूंगा कि उनका जीवन अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है हम सभी लोगों के लिए संघ की निर्मिति और संघ के कार्य को बढ़ाने के लिए. तो उनको जो अवार्ड से नवाजा गया है उसका मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा. और लोकमित्र जी को मैं सीधा अनुरोध करता हूँ कि आज के इस संघ दिन के उपलक्ष्य में वो हमें संबोधित करें. नमो बुद्धाय. जय भीम. I want to start just by thanking all of those who have spoken until now. A very personal thanks to Maitri Veer, Bhikkhu Bodhi, Vimlasara, Kim, Alan and Manjula Ben. They've all been sort of, each one of them has given us a talk which really needs a great deal of thought. So
लोकमित्र जी कहते हैं कि मैं तो इससे ही शुरुआत करना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे सामने अपने कुछ विचार रखे हैं, जैसे कि मैत्री वीर है, भिक्खु बोधी जी है, विमल सारा है, सिस्टर किम बेहान है, एलन और मंजुला बेन, जिन्होंने जे भी कुछ कहा है उससे हमें एक बहुत ही जीवित ऐसा कुछ उन्होंने संदेश उससे दिया है. You know, just taking one of those talks can give us enormous food for thought. तो उनका हर एक का अगर हम विचार या प्रवचन देखते हैं तो हमारे लिए मानो सोचने के लिए एक बहुत सारा उसमें से हमें मिला है. And I'm personally very pleased that Nagaloka has such a family, is part of such a family. और व्यक्तिगत रूप से मुझे बेहद खुशी हो रही इस बात की कि नागलोका का जो परिवार है उस परिवार के ये सभी लोग उसका हिस्सा है, such a sangha, के घटक है. So एक तरीका से संगई है. I was born just after the Second World War. लोकमित्र जी कहते कि उनका जो जन्म हुआ वो जो दूसरा महायुद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ही हुआ है. And after those two terrible world wars, many of us had the hope that the world was becoming a better place. ये जो दो महायुद्ध हो गए हैं, उसके बाद वहाँ एक आशा थी कि अभी ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, वो एक अच्छी जगह बन जाएगी. Actually, what we've seen, and especially COVID has sort of made this very clear, the world is not necessarily becoming a better place. और हमने अभी तक जो अनुभव किया है, और खास करके ये जो पिछले साल से ये जो कोविड की जो महामारी चालू है, उससे तो ये हमें साबित करके दिखाया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आज की दुनिया है वो एक अच्छी जगह बन सकती है या बन जाएगी. It seems that the forces of inequality always find new and perhaps more subtle ways to assert themselves. तो इससे ये दिख रहा है कि ये जो असमानता का जो प्रवाह है, जो प्रभाव है, वो अलग अलग या सूक्ष्म तरीके से नए रास्ते हमेशा ढूंढते रहता है. You know, one of the things that has become so clear with COVID is that we're moving very, very fast into the digital world. तो एक जो असर हम देख रहे हैं इस कोविड का, कि ये जो दुनिया है वो बहुत ही रफ्तार से ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके तरफ बढ़ रही है. And one of the the digital world, digitalism is like a double-edged sword. It can help and it can make things worse. तो ये जो हम असर देख रहे हैं डिजिटल जो वर्ल्ड का, ये मानो दो तरह की दो धारी जो तलवार है, उसका जो असर होता है वैसा उसका प्रभाव है. But if we're not careful, it could make the world much, much worse. अगर हम इसके बारे में सजग नहीं रहे तो इसके प्रभाव से ये जो संसार है वो बहुत ही बुरी ऐसी जगह हो सकती है, खतरनाक जगह हो सकती है. The children around where I am, they don't go to school at the moment. जहाँ पर लोकमित्र जी रहते हैं उनके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो आजकल स्कूलों में नहीं जाते हैं. If you're from middle class, wealthy families, then you have your mobile phones, you have your computers and so on. अगर आप यानी मध्यम वर्गीय या अमीर परिवार से हो तो उनके पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, जिसका वो निजी इस्तेमाल कर सकते हैं. You can join online classes. वो वहाँ पर जो ऑनलाइन स्कूल क्लासेस है उसमें वो सम्मिलित ले सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं. But the problem is, this will just make the situation for the already discriminated, the already poorest, much, much worse. तो ये जो पहले से ही जो गरीब है, जो असमानता से पीड़ित है, उनके लिए ये जो परिस्थिति है वो और भयानक हो सकती है, और खतरनाक हो सकती है. Just one example. ये मैंने जो पेश किया है केवल एक छोटा सा उदाहरण है. Now, the Buddha on this day, so many years ago,
gave these famous words, Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya. तो आज के दिन सालों पहले भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही मशहूर ऐसे वाक्य बोले हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. And Maitreya and Bhikkhu Bodhi explained very much, very nicely the meaning. और मैत्रीवीर और पूजनीय भिक्खु बोधि इन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन रखा है. We have to learn all the time to walk in new directions. लेकिन हमने हर समय एक अलग दिशा में चलने के लिए सीखना चाहिए. We have to learn to apply the strength and empowerment we get from the Dhamma in different ways. तो धम्म के जरिए हमें जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, जो हमारा सक्षमीकरण होता है, उसको अलग अलग आयाम से हमने इस्तेमाल करने की कोशिश रखनी चाहिए. So the Dhamma can make us stronger. So धम्म हमें उससे और मजबूत बना सकता है. It can make us more like the bull that goes through all challenges, overcomes all challenges. So जैसे बैल होता है बहुत शक्तिशाली, जो सभी चुनौतियां है उन चुनौतियों को पार करके आगे चला जाता है. It can make us like the horse, which doesn't waste time, it just gets on with what it has to do as quickly as possible. तो जिस तरह से घोड़ा होता है बहुत ही गतिशील शक्तिशाली, जो अपना समय बर्बाद नहीं करता और रफ्तार से चला जाता है, उस तरह से हमने बनना चाहिए. Can make us like the elephant, which is ready to take on any burden, however great. उसने हमें हाथी की तरह बनाना चाहिए. हाथी हमेशा उसके ऊपर कितना भी बोझ रखा जाए तो वो बोझ उठाने के लिए वो हमेशा तैयार होता है, रहता है. Can make us more like the lion, give us the confidence of the lion. उसने हमें सिंह की तरफ बनाना चाहिए, जो सिंह का आत्मविश्वास होता है, उस तरह से हमारे अंदर विश्वास हो. So these the four animals around the Ashoka Stambha. तो ये जो चार प्राणी मैंने बताए हैं, वो जो अशोक स्तंभ पर उन प्राणियों को रखा है. But we have to go further than that. लेकिन हमने उससे भी आगे जाना चाहिए. We have to develop the skills that, as it were, takes that into the field. तो हमने हमारे अंदर वो कौशल्य निर्माण करना चाहिए कि जिस कौशल्य के जरिए हम उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर सके, वहाँ हम पहुँच सके. So I'm very pleased with what Bimisara said, Sister Kim, Alan, and Manjulaben were saying. और जिस तरह से कीम है, मंजुला बेन है, एलन है, इन्होंने विमल सारा, उन्होंने जो भी कुछ कहा है. So today, when we remember this wonderful teaching of the Buddha, this most basic teaching of the Buddha, Bahujan Hitaya, Bahujan Sukhaya, we mustn't look to the past. तो आज हम जो बुद्ध की ये बहुत ही ऐसी अच्छी शिक्षा को देख रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो हमने केवल भूत के अतीत की तरफ ही नहीं देखना चाहिए. So often we think of the glories of Buddhism, the glories of the past. तो हम बहुत बार बुद्ध की जो बातें हैं अतीत की, उसको ही हम ज्यादा प्रकाशित करते हैं. But the Buddha is walking out to people as they are now. लेकिन बुद्ध जो है आज जिस स्थिति में लोग हैं, उस स्थिति में वो लोगों के तरफ चलते जाता है, चलते रहता है. So we have to develop our skills, we have to develop our versatility. तो हमने हमारे जो कौशल्य है, हमारी जो गतिशीलता है, उसको हमने बढ़ाना चाहिए. So this is what we have to do, I believe, today. तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आज के दिन हमने ऐसा कुछ करना चाहिए. We're moving in, I believe, to a new world. तो हमने एक तरह से नए दुनिया में हम प्रवेश कर रहे हैं. A world which actually doesn't look very nice at the moment. तो आज के स्थिति में ये जो संसार है, जो दुनिया हम रह रहे हैं, वो आज इतनी अच्छी हमें नहीं दिख रही है, महसूस हो रही है. At least in certain ways. अब कुछ हिस्सों में क्यों ना हो. And we have to strengthen ourselves so that we can, as it were, help others more effectively. तो हमने स्वयं को शक्तिशाली बनाना है.
ताकि हम औरों को अधिक परिणामकारक रीति से मदद कर सके. So once again, I'm very, very grateful to all our speakers. तो फिर एक बार हमारे जो भी वक्ताएं रहे हैं उनके प्रति मैं बहुत ही उनको आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ. Once again, very, very grateful that they're part of our family. मैं कृतज्ञता अनुभव करता हूँ कि हमारे परिवार के वो सभी लोग सदस्य हैं. Part of our sangha. हमारे संघ के वो सदस्य हैं. You know, many of you, I talk about a sort of sangha mathematics, which many of you have heard me say. तो मैंने कई बार आप सभी के साथ संघ का जो गणित है उसके बारे में चर्चा की है. Ordinary mathematics, arithmetic, one and one makes two. So जो सामान्य जो गणितीय संख्या है वो एक और एक से दो बनते हैं. In the sangha, one and one can make three. Actually, it can make four, it can make five, it can make six, it can make seven, it can make even more. तो संघ का जो गणित है उसमें एक और एक से तीन भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं, सात भी बन सकते हैं, या कहीं ज्यादा बन सकते हैं. Individually, we can do so much to help others. व्यक्तिगत रूप से हम औरों को मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. Together, we can do so, so, so much more. लेकिन अगर वही काम हम मिलकर करते हैं तो हम कहीं मात्रा में कहीं गुना वो काम ज्यादा कर सकते हैं. This is the meaning of sangha. संघ का यही अर्थ है. नमो बुद्धाय जय भीम. नमो बुद्धाय जय भीम. बहुत बहुत धन्यवाद लोकमित्र जी, आपने बहुत ही कम समय में हमें बहुत परिणामकारक संदेश दिया है. इसके पश्चात अमित मती जी आभार हमारे संक्षिप्त में प्रकट करने वाली है. लेकिन उससे पहले केवल मैं बताना चाहता हूँ कि नागलोक त्रिरत्न केंद्र और नागलोक केंद्र के तहत आज के स्थिति में हम देखते हैं हैदराबाद, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन जगह पर अपना नियमित रूप से काम चालू है धम्म बढ़ाने का वहां पर. दूसरी बात है कि हमारा धम्म से किया और कॉलेज का जो वर्क है वो भले ही पेंडेमिक है, नागलोक बंद है, लेकिन हमारा जो काम है वो चालू है. हमारे छात्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे जो अध्यापक हैं वो पढ़ा रहे हैं. तो आप अभी नागलोक खुला है, जो नागलोक के लोग हैं उनको मैं तहे दिल से बता सकता हूँ कि आप आइए नागलोक की विजिट कीजिए. नागलोक की जो गतिविधियां है, फिर इतवार का क्लास हो या अन्य वर्ग जिसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं. और जैसे हम हर बार बताते हैं कि ये जो नागलोक ने अपने हाथ में लिया हुआ जो काम है वो केवल लोगों के मौजूदगी से और लोगों के ज्ञान से नहीं बढ़ेगा. जैसी तकनीकी है, अन्य कुछ प्रशासनीय बातें हैं, तो इनके लिए हमेशा पैसों की तो आवश्यकता होती है. और मैं हर बार बताता हूँ कि आप आपके समय से समय दे पाए या ना दे पाए, लेकिन कम से कम आपका कुछ आर्थिक हिस्सा, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि आपनी आय का आप 20वां हिस्सा धम्म कार्य के लिए दान दीजिए. तो उस बाबा साहब के शब्दों को ध्यान में रखिए और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो निश्चित नागलोक जैसे जो प्रबुद्ध भारत, ये बाबा साहब का सपना पूरा करने का कार्य करने में जो अपने शक्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसे संस्थाओं को आप निश्चित रूप से कुछ दे सकते हैं. इतना ही मैं अपील करके धम्मचारिणी अमित मती को अनुरोध करता हूँ कि वो संक्षिप्त में वोट ऑफ थैंक्स करे और धम्म पालन गाथा के पश्चात हमारा ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम संपन्न करने वाले हैं. अमित मती. नमो बुद्धाय एंड जय भीम. बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, बौद्ध भाई और बहनों को आज की कार्तिक पूर्णिमा और संघ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ. और साथ में चलत बुद्ध का जो प्रतिमा नागलोक में लगाई गई है उसका जो 11वां वर्धापन दिन हम नागलोक के माध्यम से यहाँ मना रहे हैं उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को मैं देती हूँ. इस प्रकार से हम आज का जो विशेष कार्यक्रम
नागलोक ने आयोजित किया था उसके आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच रहे हैं, और उस पड़ाव में मैं सभी का शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रही हूँ. So dear brothers and sisters, all the viewers who are watching this celebration of Kartik Purnima, the Sangha Day, and the 11th anniversary of Walking Buddha at Nagaloka, I wish you many greetings on this very auspicious day. And I'm here to conclude today's program by giving vote of thanks. And I would like to express my gratitude on the behalf of Nagaloka family to all the speakers. Especially, I would like to thank a venerable Bhikkhu Bodhiji from US, who has really given us a very inspiring message. And at the same time, I would like to thank the Macharni Vimal Sara, Sister Kim Behan, our dearest friend Alan. I would like to thank Manjula Pradeep, who is also the dearest friend of our family, and the Machari Maitri with Nagarjun, and chairman of the Nagaloka Lok, the Machari Lokamitra. Main bahut bahut aapka shukriya ada karna chahti hu ki aaj ke is pavan mauke par aap logon ne bahut khoobsurti se संघ दिन का महत्व क्या है, और बुद्ध ने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने अनुयायियों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय इस महान संदेश को उजागर किया. और आपने अपने विचारों के माध्यम से हमें काफी सारी प्रेरणा भी दी है. तो आप सभी महानुभावों का, आप सभी अतिथि गणों का मैं तहे दिल से नागलोक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और कामना करती हूँ कि हम सभी लोग इसी मार्ग पर चलते रहें जो लोगों के सुखों के लिए, बहुजनों के हितों के लिए हमारा जीवन समर्पित बना रहे. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ में मैं और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो नागलोक की टीम है, जो आज का कार्यक्रम हम लोगों ने काफी खूबसूरती से मनाया है, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे बहुत सारी हमारी बड़ी टीम काम करती है, उस सभी लोगों का, जो नागलोक की पूरी टीम है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. इसमें नागलोक मीडिया भी बहुत शामिल है, जिन्होंने बहुत मेहनत ली है इसका, इस प्रोग्राम को संपूर्णता देने के लिए. और इसके साथ में ही इस कार्यक्रम का बहुत खूबसूरती से जिन्होंने सूत्र संचालन किया है, ऐसे धर्माचारी मैत्रेनाथ, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. I would like to thank the whole Nagaloka team who are behind the screen, but they have really worked very hard to make this program very successful. So I could not mention all the names as a constraint of the time, but I'm really thankful to all the people, those who have really worked hard to make this program successful, and also the Nagaloka media who has done an excellent job to put this program on the Zoom online. And same time, I would like to thank the Machari Maitrenath, who had really very well anchored the show. So thank you very much, all of you. And I really look forward that we walk in the footsteps of the Buddha and the Baba Sahib for the welfare of many in the rest of our life. So thank you very much. And I would like to conclude this program with Dhammapalan Gatha. So please join me. सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो
Hoti yodham manna pamajyati Nathime saranam ayam Buddho me saranam varam Etena satcha vajjena Hotu me jaya mangalam Nathi me saranam ayam Dhammo me saranam varam Etena satcha vajjena Hotu me jaya mangalam Nathi me saranam ayam Sangho me saranam varam Etena satcha vajjena Hotu me jaya mangalam Namo buddhaya Namo dhammaya Namo sanghaya Sadhu, sadhu, sadhu. Jai Bhim to all of you, and thank you very much once again. And please be safe and take care of your health.